सीबीआई में मेरी क्वेश्चनिंग हो रही थी, तो मैंने कहा देखो जितने केस मेरे ऊपर बनाए, जितनी मेहनत मेरे ऊपर कर रहे हो, इतनी दाऊद इब्राहिम पे कर लेते, सरेंडर कर देता हूँ। मेरे को 21 जुलाई को टिकट मिला था और 24 जुलाई को मैं तिहाड़ जेल में था। क्यों? आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ने की जुर्म था ना। उसके दो दिन बाद मेरे ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ। मैं घर आया, पूछा क्या चोट लगी, कैसे लगी। अब बताया मैंने कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर असॉल्ट हुआ है। अब उल्टा हो गया, अब मेरी वाइफ अड़ गई, कहती है अब तो चाहे कोई गोली भी मार देना तब भी पीछे नहीं हटना। तो मैंने कसम खाई थी कि मैंने जो जूते पहने हुए थे ना कि इनको तब बदलूंगा जब मैं हरा दूंगा सामने वाले को। क्या बात। और मुझे आज भी याद है 28 दिसंबर 2013 को जब मैंने शपथ ली थी ना रामलाल ग्राउंड से, तो मेरे जूते फटे हुए थे और मेरा ये अंगूठा जो है ना पूरे जूते से बाहर था, पूरा अंगूठा। अब देखो केजरीवाल सरकार का कितना प्रेशर है, बहुत सारी सरकारों को कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपने समय निकाला। आज हम आपकी की एक कर्म भूमि पर हाँ थोड़ा बताएं हम कहाँ हैं आज। अभी हम लोग रजोकड़ी लेक में हैं। ये रजोकड़ी जो हमारा रंगपुरी पहाड़ी पे बना हुआ है, यहाँ पर सीवेज वेस्ट, इसमें एक छोटा सा वो था जैसे कहते हैं पॉन्ड था। अच्छा। इसे पूरे यहाँ के आसपास के जो घर बने हुए उनका इधर घर बने देखे हैं आप जी, तो उसका सारा वेस्ट वाटर यहाँ पे इकट्ठा होता था, बहुत बदबू आती थी, बहुत गंदगी थी। अच्छा। तो अब इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हमने बिल्कुल इनोवेटिव तरीका निकाला कि इसको नेचुरल वे से, ये जो आप जब प्लांटेशन देख रहे हैं जी, ये सब सीवेज ट्रीटमेंट का सिस्टम है। इसके नीचे पत्थर डाल के सिस्टम बना के नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि बिजली भी नहीं लगती है, सिर्फ पानी आएगा, एक तरफ से आएगा दूसरे निकल के तालाब में और इससे रिचार्ज हो जाएगा। मतलब एक समझ के देखिएगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा, जगह भी सुंदर बन गई और जो गंदगी गंदा पानी था उससे इसको रिचार्ज करें, पूरे साल रिचार्ज होता है। अच्छा। और साल में एक बार ये छठ पूजा के लिए भी इस जगह को यूज़ किया जाता है। तो इन पेड़ों का भी इसमें कुछ रोल है? ये सारे पेड़ों का ही रोल है, जितने पौधे अच्छा। लगाए गए हैं ना। अच्छा। ये वेटलैंड स्पीसीज हैं, आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह की वेटलैंड स्पीसीज जो होती हैं, ये बहुत तेज़ी से पानी को अपने अंदर लेती हैं और इनकी जड़ें बहुत फैली होती हैं। अच्छा। इनकी जड़ों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया सारी गंदगी को खा जाता है, तो उसको साफ़ कर देता है। मतलब बहुत ही ऑर्गेनिक सिस्टम है और जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे हमारे जो इंटेस्टाइन है, ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है, उसको मिमिक करते हैं। तो होता है सब कुछ नेचुरली है, देख के नहीं आपको लगेगा बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, होता है उसमें भी सब कुछ नेचुरल है। इसको बिल्कुल नेचुरल बनाया है, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बनाया था, बिल्कुल शानदार है। अब इसको हम बहुत बड़े स्केल पर रिपीट कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर लगभग 250 वाटर बॉडीज़ में हम ये काम करने जा रहे हैं। ऐसी 250 बॉडीज़ हो बनेंगी? क्या बात। तो ये तो एकदम बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट रहा, आपका तो बैकग्राउंड आर्किटेक्चर नहीं, देखो पता क्या है, मेरा बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, एक जैसे होता है ना एजुकेशन जो है वो दैट इज़ फर्स्ट स्टेप, स्टेपिंग स्टोन के अंदर ना आपको बता दिया कि पढ़ने का रास्ता बता दिया, अब सारी ज़िंदगी पढ़ते रहिए। जरूरी नहीं कि मुझे सब कुछ आता हो, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीख सकते हैं, वो बता सकते हैं, बट हाँ हमारे को चूज़ ठीक चीज़ें चूज़ करनी चाहिए। अब जैसे वो था कि भाई अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे STP बनाने जाते बहुत पैसा खर्च होता, फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे लोग लगाने पड़ते हैं, मतलब बहुत मुश्किल काम था ना। बट इस तरह के एक्सपेरिमेंट जगह जगह हुए हैं, दुनिया में भी हुए हैं, देश में भी हुए हैं, बहुत जगह हुए हैं, पर हमने दिल्ली में ये करके देखा पहली बारी और ये बुरी तरह सफल रहा। अब सफल रहा तो इसको रिपीट करें। तो जब से आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आई है उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट हुए, उससे पहले नहीं हुए? देखो एक्सपेरिमेंट, देखो अभी तक ज़्यादातर सरकार में होता क्या है, सरकार में होता कि प्रेसिडेंस क्या है, पहले क्या हुआ था उसी को रिपीट करते हैं। हमारा सोचना थोड़ा अलग है कि ऐसा नहीं कि जो हुआ है उसी को करा जाए, उसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि अच्छी चीज़ें हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको नेचुरल वेटलैंड्स के नाम से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसी को हमने बनाया है। तो दिल्ली में यमुना क्लीनिंग के ऊपर सरकार बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, इन वेटलैंड्स का उसके साथ कोई ताना बाना? बिल्कुल, आप इसके अंदर देखिएगा
फ्लोटिंग प्लांटेशन आपको दिखाई देगी जी। अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है यहाँ पर, अभी तक फ्लोटिंग प्लांटेशन नहीं थी। जो यमुना के लिए हम फ्लोटिंग में प्लांटेशन कर रहे हैं, जो ड्रेन्स है उसमें फ्लोटिंग प्लांटेशन होगी, फ्लोटिंग एरेटर्स होंगे और वियर्स लगाए जाएंगे। अब उसको भी यहाँ पर हम ट्राई करके देखते हैं, उसको हम पहले ट्रायल यहाँ पर कर रहे हैं। जितने भी आप फ्लोटिंग ट्रीज देखें यहाँ पर भी, संजय वन में भी हम दो तीन जगह लगाए हैं, और उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं उसको किया जाएगा। यमुना क्लीनिंग के लिए देखो, अभी तक सभी के थे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, और 20 साल लगेंगे। ना तो हमारे पास 20 साल हैं ना 20,000 करोड़ रुपये हैं, करना तो है तो करना है, तो फिर इनोवेटिव तरीके से करेंगे। तो यमुना क्लीन करने के लिए हमने देखो कहा था इस टर्म में कर देंगे, 1.5 साल चला गया, 3.5 साल बचे हैं, अभी भी 3.5 साल के अंदर हम करके दिखाएं। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो कह सकते हैं कि यमुना क्लीनिंग देश का पहला ऐसा एक एग्जांपल होगा जहां पर नेचुरल तरीके के साथ, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के साथ, साइंटिफिक तरीके को इम्प्लीमेंट करते हुए यमुना की सफाई होगी। बिल्कुल, दोनों को। अभी हो क्या रहा है कि देखो, साइलोज में सब लोग काम कर रहे हैं। एक मान लो हाईटेक कंपनीज हैं, वो बिल्कुल एक साइलो में काम कर रही हैं, एक नेचुरल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक तरीके से काम कर रही हैं। क्योंकि मैं इन सिस्टम से बाहर था, मैं बिल्कुल अलग था। जब मैंने आया, मैंने इनको स्टडी किया, बेसिक देखना स्टार्ट किया, अभी कैसे होता है कैसे, तो मैंने कहा ऐसा इसके अंदर इस चीज़ को क्यों नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर नेचुरल वेटलैंड के अंदर आप एरेशन कर दें, किसने ट्राई नहीं किया भाई? नॉर्मली हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पहले प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, उसके बाद एरेशन होती है। एरेशन मीन्स के ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं। तो मैंने कहा अगर इसमें हवा देते हैं तो इसकी जो कैपेसिटी है क्या 10 गुना हो जाएगी? तो मैंने किसने ट्राई क्यों नहीं किया? तो क्योंकि वो दोनों टीम अलग अलग हैं। जैसे होता है ना, फिजिक्स वाला है, केमिस्ट्री वाला है, जबकि सब कुछ एक ही तो है, अलग अलग थोड़ा है। तो फिजिक्स भी वही है, केमिस्ट्री भी वही है, बायोलॉजी भी वही है, सब कुछ एक है, तो उनको बस कंबाइन करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ज्ञान दुनिया के अंदर है, उसको इनोवेटिव तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। तो दिल्ली सरकार में इतने सारे मंत्रालय हैं, उनमें पानी एक बड़ा मंत्रालय है। पानी पे हम देख रहे हैं सरकार बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, हेल्थ पे सरकार ने बहुत एग्रेसिवली काम किया है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिल के बहुत करीब? तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ, दो चीज़ें हैं। इस टर्म के अंदर यमुना नदी को क्लीन करना है, और यमुना नदी को क्लीन करने के लिए कई सारी प्रीरिक्विजिट कंडीशंस हैं। पहले सारे नाले साफ़ करने पड़ेंगे। यमुना नदी के अंदर जिस भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंदा पानी जाता है उसको साफ़ करना पड़ेगा, वो सब कुछ करेगा। अभी तक क्या था कि हमारे बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उनको जो नॉर्म्स थे उसके थे 30-30, 30-50, मतलब मैं बताऊँ कि उसके 30 BOD एंड 50 TSS कहते हैं, उसको जो हमारे नॉर्म्स हैं वो 10-10 से नीचे आने चाहिए। अगर नदी में आप डालना चाहते हैं तो उसको 10-10 से नीचे करना है। तो जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली के, उन सभी को हम ठीक कर रहे हैं, और बहुत ही कम पैसे से ठीक कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी को ठीक कर रहे हैं। जो काम 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में होना था, जो काम 15-20 हज़ार करोड़ में होना था, उसको बहुत ही कम पैसे से बहुत ही जल्दी हम कर रहे हैं। छोटे छोटे इंटरवेंशन हैं वो कर रहे हैं, आने वाले 2.5-3 साल में सारे कर देंगे। जितने भी ड्रेन्स हैं, जैसे नगर ड्रेन है, सप्लीमेंट्री ड्रेन है, बारापुला ड्रेन है, जगाजीपुर ड्रेन है, जितने भी ड्रेन्स हैं उन सब के अंदर हम एरेशन करेंगे, फ्लोटिंग प्लांटेशन करेंगे, इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि यमुना में पानी गिरने से पहले 100% पानी ट्रीट हो जाए। और उसका डीओ लेवल होता है ऑक्सीजन कितनी है पानी के अंदर। पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल अगर 4 से कम है तो उसको डेड कहा जाता है। अच्छा। तो उसका डीओ लेवल 4 से ज़्यादा तो करेंगे। उसका एक सिंपल ही होता है कि अगर उसमें मछलियाँ पैदा हो सकती हैं तो ये पानी ठीक है। और आपको देखिएगा 3-4 साल के बाद दिखाएंगे यमुना के अंदर मछलियाँ भी होंगी। और दूसरी चीज़ मैंने पानी के अंदर बता दूँ, दूसरा 24 घंटे पानी। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो संभव नहीं है। देखो आज से 30 साल पहले भी दिल्ली को जितना पानी मिलता था अभी भी उतना मिलता है। आबादी 2.5 गुना 3 गुनी होगी, आबादी बढ़ती जा रही है, पानी उतना ही मिल रहा है भाई। जो हमारा यमुना नदी से आता है पानी वो तो उतना ही है, शेयर उतना ही बढ़ भी नहीं रहा। तो कैसे करें? ये सामने आपके जितने तालाब बनाए हैं ये सब उसके रास्ते हैं। जो पानी हम उठा के इसको ड्रेन में डाल रहे थे, ड्रेन से वो गंदा पानी सब ड्रेन को गंदा करते हुए यमुना तक जा रहा था, फिर समुद्र में जा रहा था। अब हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं, ये पानी यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, ये पानी सीधा रिचार्ज हो रहा है। ओवर द पीरियड जब रिचार्ज होता रहेगा तो दिल्ली का ग्राउंड लेवल उठेगा। ऐसे हमने जैसे पल्ला में अपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जो बाढ़ का पानी होता है, बाढ़ के पानी को हमने बहुत बड़े बड़े वो बनाए, गड्ढे बनाए, उसमें डाला तो वो नीचे ज़मीन में चला गया। तो जितने भी हमारे WTPs हैं उनके पास हम लेक्स बना रहे हैं, उन लेक्स में हम जो गुड क्वालिटी बहुत बढ़िया पानी होगा, ट्रीटेड वाटर होगा, उसको अंदर हम लेक के अंदर डाल देंगे।
वो परकुलेट कर जाएगा और पूरे साल करेगा, एक दिन नहीं करेगा, पूरे साल करेगा। बाढ़ के टाइम में जो पानी आता है, एक्स्ट्रा पानी आता है, उसको हम यमुना के फ्रंट के पास पास बड़े बड़े गड्ढे बना के उसके अंदर करेंगे, तो क्या होगा, सस्टेनेबल तरीके से जो पानी कभी ख़त्म ना हो उसको बार 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 यूज। एक आपको फार्मूला बता देता हूँ, जितना पानी हम यूज़ करते हैं घरों में या किसी में भी, उसका 80% पानी माना जाता है, थंब रूल है ये, कि 80% वाटर जो है वो वापस सीवेज में आ जाता है। अब उस 80% को अगर ट्रीट करके रिचार्ज कर दिया जाए और उसका फिर से 80 निकाल लिया जाए, या अगर 70 भी निकाल लिया जाए, तो 50% वाटर, 50% पानी तो आपको मिल गया। अगर दिल्ली में हम 4000 ml वाटर पर डे सप्लाई करते हैं तो उसमें से 2000 वापस निकाल सकते हैं। तो थ्योरी में बहुत आसान है, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाया, पर करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, पर हम करेंगे। पर समझाना इसलिए आसान ज़रूरी है कि ये ना लगे कि हो ही नहीं सकता है, होगा। और मुझे लगता है ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये सॉल्यूशंस दिल्ली के लिए नहीं होंगे, ये दुनिया के लिए सॉल्यूशंस होंगे, सस्टेनेबिलिटी के लिए सॉल्यूशंस होंगे। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे बारिश आती है, सबसे पहला काम क्या होता है कि बारिश के पानी को 2 मिनट के अंदर नाले में जाना चाहिए, 2 मिनट के अंदर यमुना नदी में, उसके बाद समुद्र में जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी समुद्र में चला जाए। मगर वो उस तरह से हुआ कि आपको साल में एक बारी तनख्वाह मिलने लगे और सारी की सारी तनख्वाह मिली, मान लो आपको इकट्ठे 2-3 लाख रुपए मिल गए, 4 लाख मिल गए, 5 लाख मिल, कहते आप इसको फटाफट खर्च कर दो, हफ्ते 10 दिन में खर्च करके ख़त्म करो, फिर सारे दिन में सारे साल मान करो। भाई दिल्ली को जो बारिश का पानी मिला उसको संजोना है। इसी तरह से जो आपने पानी एक बार यूज़ कर लिया उसको बार बार यूज़ करो, बार बार यूज़ करो। पानी एक ऐसी चीज़ है, पानी क्या है, पानी है H2O, प्योर फॉर्म में अगर बात करें तो पानी को आप कितना भी अच्छा पानी उसको उतना ही गंदा कर सकते हो, और कितना भी गंदा पानी उसको उतना अच्छा बना सकते हो, प्रोसेस की बात है। जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, 8th क्लास के अंदर पढ़ा था, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इज सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा है कि समुद्र में सारा पानी पहुँच जाता है, वहाँ से पानी भाप बन के उड़ता है। अब वो दो तरीके से ज़मीन वापस आता है, बारिश के रूप में या बर्फ़ के रूप में। बारिश के रूप में आया, ज़मीन पे पड़ेगा, फिर नदियों से होते हैं, फिर समुद्र में पहुंच जाता है। बर्फ़ में पड़ा, पिघल के फिर नदियों में आता है, नदियों से फिर समुद्र में पहुंच जाता है। तो जो ये पूरा साइकिल है, वाटर साइकिल, वो शॉर्ट सर्किट मार रहे हैं। शॉर्ट सर्किट क्या है कि जो पानी एक बारी आ गया ना, उसको समुद्र में जल्दी मत भेजो, उसको कई बार यूज़ करते रहो, कई बार यूज़ करते रहो। भगवान ने बारिश से पानी दे दिया तो उसको जल्दी क्या उसको वापस भेज देंगे, उसको यूज़ करो, रीयूज़ करो, देन रीयूज़ करो। तो जो हम सॉल्यूशंस ला रहे हैं, और मैं कहूँगा कि वी आर लक्की के भी जो आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला है, और ये देश के लिए भी दुनिया के लिए भी एग्जांपल्स होंगे। हुआ क्या है कि कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, पर वो बहुत छोटे स्केल पे, कभी भी सिटी स्केल पे किसी ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। दिल्ली पहला सिटी है जिसमें हम करने जा रहे हैं, उसका कारण भी बताया था। उसका कारण ये है कि हमने कह दिया कि 24 घंटे पानी देंगे, हमने कह दिया यमुना साफ़ करेंगे, अब कह दिया तो अब करने के लिए तो फिर सब कुछ करना पड़ेगा ना, पानी तो कहाँ से लाएंगे। एक्स्ट्रा वाटर लाना बहुत मुश्किल काम है, हम चाहें कि दिल्ली के अंदर जितना पानी है उससे दुगना पानी और ले आए। क्या बात है। सो थमेटिक नॉलेज प्लस एक्सपेरिमेंट करने का जज्बा प्लस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज, साफ नीयत और ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें मिली हैं तो दिल्ली में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। हाँ, सारी चाहिए साथ में, और सबसे बड़ी बात यह, जज्बा चाहिए, आपको लगना चाहिए कि भाई काम करना है। और सबसे मैं तो मानता हूँ जो सबसे मुश्किल काम होना, सबसे पहले उसे पकड़ लो, जो लगता है हो नहीं सकता ना। हमने दिल्ली में पिछली बार कहा था कि बिजली 24 घंटे कर देंगे, लोग हंसे थे, अरे यार मजाक कर रहे हैं ना, केजरीवाल जी भी ऐसे कहते रहते हैं, इनके मंत्री भी ये कहते रहते हैं, कर देंगे, कर दिया ना। दिल्ली में इन्वर्टर गायब हो गए, जनरेटर गायब हो गए, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लगी, इस बार हम कह रहे हैं दिल्ली में 24 घंटे पानी देंगे, सब हंस रहे हैं, सब मजाक बना रहे हैं, कहते हैं नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं, 24 घंटे पानी आ सकता है क्या, 2 घंटे तो आता नहीं है, कई जगह ऐसा कहते हैं 2 घंटे तो आता नहीं है, 24 घंटे कहाँ से लाइक आएंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो हमें भी मज़ा आता है, हमने कहा कोई बात नहीं, कम से कम लोगों को लग तो रहा है कि असंभव काम है, असंभव को संभव करके दिखाएंगे तभी तो कुछ बात है। देखो मैं तो अपना बता सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी में ना हर चीज़ पे जब तक लोग शुरू में हंसे ना मुझे मज़ा नहीं आता, कि जब तक उसका मजाक ना बनाए, कहते अरे पागल हो गया, कि अच्छा मुझे वैसे भी कहते रहते हैं हमेशा, मेरा नाम पता होगा सबको, मेरा नाम रखा हुआ है आइडिया मंत्री, सब मजाक में कहते हैं आइडिया मंत्री हैं। हाँ आइडिया होते हैं, कई उल्टे सीधे होते हैं, पर उल्टे और सीधे दोनों होते हैं ना, तो उल्टा भी होता है सीधा भी होता है, तो मैं कहता हूँ 4 उल्टे एक सीधा भी पड़ गया, एक सीधा हो पक्का सब कुछ कर देगा। और मैं ज़िंदगी में फेल होने से नहीं डरता, ज़्यादातर लोग इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं, कहते फेल हो गए तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इसलिए कमिटी मत करो। भाई जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कमिटमेंट के बारे में, हमने कहा भी हम 1000 मोहल्ला के लिए बनाएंगे, आसान तरीका क्या था,
कह देते 100 बनाएंगे, 100 तो हमने पहले साल में बना दिए थे, 100 बन जाते सारी दुनिया में गाते, सारे अवार्ड लेते रहते कि हमने 100 बना दिए। पर 100 का हमारे लिए तो फ़ायदा था, जनता के लिए इम्पैक्ट जो आने वाला है, जो आइडिया है कि भाई 10,000 की आबादी पर एक मोहल्ला क्लिनिक बने, वो तो नहीं होता। तो हमने 1,000 का टारगेट रखा, 500 तो बन गए ना। अब लोग कहते हैं 1,000 गए थे 500 बने, मैंने कोई बात नहीं 1,000 भी बना के दिखाएंगे। अगर हम 100 का टारगेट लेते तो कोई फ़ायदा नहीं था। और मैं तो कई बार कहता हूँ हमारे जितने भी आइडियाज़ लोग कॉपी कर लें, कोई कॉपीराइट तो कराया नहीं हमने, कोई पेटेंट नहीं कराया। कई सारी चीज़ें लोग कहते हैं सर पेटेंट करा लो, बड़ा तगड़ा आइडिया है। मैंने कहा पेटेंट कराने नहीं आया, अगर पेटेंट कराना होता तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता, मैं अपना काम कर रहा था वहाँ पेटेंट करा लेता। ये पेटेंट कराने की ज़रूरत नहीं, मैं तो कहूँगा लोग इसको कॉपी करें, शेयर करें, हमसे जो पूछना है हमसे पूछें, हम वाइडली देने को तैयार है सब कुछ। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको, रोड एक्सीडेंट विक्टिम की स्कीम लेके आए हम लोग, 4 साल हो गए कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, चाहे दिल्ली का रहने वाला हो, दिल्ली से बाहर का कोई हो, अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर एक्सीडेंट होता है, उसको चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, आप उसको किसी भी अस्पताल में ले जाओ, सरकारी में, प्राइवेट में कहीं ले जाओ, उसका इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देती है। 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 5 लाख लगे, 1 लाख लगे, कुछ भी पैसा लगे हम देते हैं। तो हमें आशा थी कि बहुत अच्छी स्कीम है, सब ने तारीफ़ की, सारी दुनिया तारीफ़ करी है कि भाई अब तो देश के अंदर सारी सरकारें इसको कॉपी कर लेंगी, और करना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से अब फिर कहना चाहता हूँ कि भाई इसको कॉपी कर लो, बड़ी सिंपल सी स्कीम है, कुछ नहीं करना आपने। अस्पताल खुले हुए हैं, अस्पताल बने हुए हैं, जो नियरेस्ट अस्पताल है वहाँ पर कोई भी ले जाए उसको पे कर दे सरकार, कुछ भी नहीं करना। पर देखो पॉलिटिक्स ऐसे चलती है, कॉपी नहीं करी, अभी तक भी नहीं करी। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे, कुछ लोग दबाव बनाए सरकारों के ऊपर, उसको कॉपी कर लें। हम एक चीज़ और करते हैं साथ में, जो लेके जाते हैं उसको 2,000 रुपये का इनाम भी देते हैं ताकि उसको भी थोड़ा इंसेंटिव रहे। तो मेरा ये मानना है कि जो भी अच्छी पॉलिसीज़ हैं जनता के हित में बनाई जाती हैं, उनको इस ईगो में नहीं आना चाहिए कि ये केजरीवाल ने पहले स्टार्ट की। अरे कह के कर लो, अगर हमें कोई अच्छी चीज़ मिलेगी ना किसी से, हम कह के करेंगे, ये उनकी देख के कॉपी कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अरे कर रहे हैं ना, भले के लिए कर रहे हैं। और सबको मैं कह रहा हूँ करो, अब मोहल्ला के लिए कुछ राज्यों ने बनाने स्टार्ट किए हैं, पर किसी ने मोहल्ला के लिए नाम नहीं रखा, कोई बात नहीं, जो मर्जी नाम रखो उसका। बहुत छोटे छोटे कुछ एक नंबर के सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे आपने कहा जनता के लिए नहीं बनाए, सिर्फ नाम के लिए बनाए। नहीं, वो देखो पता क्या होता है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। देखो सरकार का काम होता है स्केल, सरकार का मकसद होता है सबके लिए। अगर सरकार कुछ के लिए कर रही है तो सरकार नहीं कर रही, कोई भी कर सकता है। अरे भाई इस देश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर देखो 4 दान मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़े 4 दान होते हैं जो हमारे सदियों से हमारे साथ चलते हैं, ज्ञानदान, आरदान, औषधिदान, अभयदान। इन 4 दानों के लिए लोग 1,000 साल से काम कर रहे हैं। अरे भाई कितनी धर्मशालाएं देखो ना दिल्ली देश के अंदर बनी हुई हैं, कितने औषधालय खुले हुए हैं, कितने सारे स्कूल खुले हुए हैं, जगह जगह सब कुछ है। पर वो स्केल सरकार को करना है तो सबके लिए करना है, वो सबको नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार भी उसी लेवल पर करने लगी तो ये काम तो हमारे लोग कर ही रहे ना, जो धर्मात्मा लोग हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकार से अच्छा कर रहे हैं। आपकी कैलकुलेशन इतनी सटीक, इतनी क्विक है, कभी कभी मैं अचंभित हो जाता हूँ कि इतना क्विकली कैसे आप कैलकुलेट कर लेते हैं। उस समय जब आप स्कूल में थे तो आपके मैथ्स के टीचर कौन थे? मैथमेटिक्स का तो ना पता क्या है कि बहुत ही बैकग्राउंड ऐसी रही कि जो कैलकुलेशंस है ना, शुरू से कैलकुलेशन में बड़ा आनंद रहा मेरे को, कभी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस समझ नहीं आई, पर उससे पहले का मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आया। तो जो कैलकुलेशंस वाला मैथमेटिक्स है ना वो शुरू से टिप्स पे रहा है, और मेरा ना गाँव से बैकग्राउंड रहा, तो मेरे ताऊजी वगैरह थे वो बिठा के रात शाम को बिठा लेते, चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। 10-10 बच्चे होते थे तो उसमें जीतने की सबको अलग होती थी, कौन जीते, सब वर्बल होता था। तो वो वर्बल कर करके आदत पड़ गई ना। अब मेंटल मैथमेटिक्स करने की बहुत आदत है। दूसरा मैं बता दूँ बचपन से क्या रहा, बहुत हवाई के लिए बनाए, हर चीज़ के बारे में हवाई के लिए, मेरा नाम ही रखा था कि हवाई के लिए बनाता रहता है ये। मतलब बचपन फेमस था कि यार ये मतलब बहुत ही हवाई के लिए बनाते हैं, और सबको डर लगता है, हमारी जो सोसाइटी है ना उनको डर लगता है कि ये बच्चा जो है ना ये कुछ बहुत बड़े लेवल की सोच रहा है, कुछ गड़बड़ कर देगा। तो हमारी सोसाइटी को ये नहीं लगता, सोचने तो सोचने में क्या जा रहा है यार, सोचने में कुछ ज़्यादा उठा रहा है। तो सबको डर लगता था यार पता नहीं क्या सोचता है। सोचने के साथ साथ ये भी होता था कैलकुलेशंस कि अच्छा ऐसे करेंगे तो इतने लोग होंगे तो इतना ये हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो इतना होगा, इतना खर्चा हो जाएगा। तो कहते थे यार ये इतना जरा सा पिद्दा सा तो है, ये लाखों रुपए की बात करते हैं। उस टाइम तो लाखों भी बहुत होते थे कि ऐसा कर देंगे तो हम ऐसे कर देंगे। तो कैलकुलेशंस, मेंटल कैलकुलेशंस पहले से रही है, और हमेशा से ये रहा है कि उसको अगर मेंटली कैलकुलेट नहीं करेंगे तो सरकार में होता क्या है।
कॉस्ट्यूम को जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? जरूरत ही नहीं। वो ये कहते हैं कुछ भी करके दिखा दो बस, कोई नहीं पूछ रहा। जनता अगर इस बात पे वोट देने लगे ना कि भाई साहब ये ब्रिज जो था अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ का बनाया, आपने 1000 करोड़ का क्यों बनाया, अगर इस पे बहस चालू हो जाए तो मज़ा आ जाए। अगर वो कहें कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या जो नदी क्लीन करने का पहले बजट 15,000 करोड़ का था, 20,000 करोड़ का था, वो 10% पे कैसे आ गया, 90% कम कैसे हो गया, तो फिर तो सबको हिसाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है और चाहते भी नहीं है लोगों के सामने। कारण है ना, देखो क्या होता है, जितना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उतना पैसा मिलेगा, उतना ही तो कुछ मिलेगा उनको। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा, अभी 7 दिन पुरानी पिछले हफ्ते की बात है, 3 बैरल हैं ओखला एसटीपी में जाने के, 662 करोड़ का अप्रूव कॉस्ट थी उसकी, 662 करोड़ की। मैंने इसकी कई मीटिंग की क्योंकि मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, अब मैं कैसे मान जाऊँ यार कि ये 662 करोड़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने 3-4 सॉल्यूशन दिए, सबसे पहले तो सबका ये होता है सर ये तो नहीं हो सकता, तो मैंने कभी एक सोल्यूशन ये इनको चेक करके आओ। ये मैंने शुरू से ऐसा किया है क्योंकि ज़्यादातर कंसल्टेंट मेरे साथ ऐसा कर दिया करते थे, सर ये तो पॉसिबल नहीं, आज तक हुआ नहीं है। तो मैंने 3-4 सोल्यूशन बना के मैं खुद ही ड्राइंग बनाता रहता हूँ। तो मैं आज अब मैं आर्किटेक्चर अब ज़्यादा कर रहा हूँ, प्रैक्टिस छोड़ने के बाद गवर्नमेंट में आने के बाद ज़्यादा कर रहा हूँ। तो मैंने डिजाइन बना के दिए, मैंने ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए। तो 2-3 महीने के बाद आ गए, सर हाँ सर हो तो सकता है, पर सर कॉस्ट का चिंता मत करो, अब कॉस्ट निकालो। तो 60 करोड़ से कम आ रही है कॉस्ट, अगर सरकार के 662 थी, 662 थी, अच्छा अब 60 करोड़ से कम में होगा और टाइम पीरियड भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आउटपुट क्या है और कॉस्ट क्या है। आउटपुट और कॉस्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ध्यान ये है कि कितना खर्च किया। लोग क्या बताते हैं अपने वोट कार्ड में, मैंने जी 1000 करोड़ रुपये ब्रिज बनाने पर लगाए, हम कहते हैं हमने ब्रिज बनाया। वो कहते हैं कि हमने प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर 5000 करोड़ खर्च किए, हमने कहा 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए और उसके अंदर हमने 50,000 लोगों को रोज देखा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को सर्विस क्या मिली, उससे फ़ायदा क्या हुआ। हुआ क्या है कि पॉलिटिक्स को ना बिल्कुल अलग, जिसे होता है ना अलग अलग कैरियर थे, एक डॉक्टर बन गए, एक इंजीनियर बन गए, एक सिपाही बन गए, एक फौजी बन गए, अलग अलग बन गए, ऐसे पॉलिटिशियन भी बन गए। जो पब्लिक सर्विस थी ना, पब्लिक सर्विस तो कहीं ख़त्म हो गई। कहते जो सबसे नालायक, जो सबसे उद्दंड, जो गुंडा बदमाश, क्या वो नेता बन जाए, जो पढ़ा लिखा जो होशियार है तो डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई आर्किटेक्ट बन जाए, कोई कुछ बन जाए, सीए बन जाए, बन सके वो नेता बन जाए। तो सबसे बड़ा उन्होंने फील्ड खाली छोड़ दिया हमारी जनता ने कि भाई तुम नेता बन जाओ और तुम जनता को तंग करो, उनको पीटो। और दूसरा क्या, हमारे लिए क्या हुआ है कि हम लोग कहते हैं राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। जनता ज़्यादातर क्या कहती है, हम तो जी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते। फिर किस में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ तो लो यार, थोड़ा बहुत कम से कम एक जज की तरह से तो इंटरेस्ट लो भाई। इफ़ यू आर ए जज, आपने नेताओं को चुनना है तो आपकी पावर है ना, तो उस पावर का ठीक से इस्तेमाल करो, सही गलत तो समझो। पर उसका भी देखो कारण है कि नेताओं ने क्या तरीका निकाला है, उन्होंने पक्के भक्त बना लिया, कहते ये हमारी पार्टी वाला है। यार आप कहते हैं आप जज हो, आप भक्त नहीं हो। जो अच्छा काम करे इसको वोट दो, जो नहीं करे मत दो, जो सही करे उसकी तारीफ करो, जो गलत करे इसको बताओ कि वो गलत है इसको ठीक करो। हम बताते भी नहीं हैं, हम क्या करते हैं कि चश्मे का कलर बदल लेते हैं। हमारा कहते हैं हमारा रंग का हरे रंग का चश्मा है, वो कहते हैं लाल रंग का चश्मा है, उसी चश्मे से कुछ दिखता है। मैं कहता हूँ यार चश्मा देखना अभी तो चलो इलेक्शन के 1-2 महीने दिख लेना, बाकी 4 महीने 4 साल 10 महीने क्यों देखते हो उससे, तब तो सही को सही गलत को गलत करो, उससे फ़ायदा क्या होगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई देखो पॉलिटिक्स की बात करने लास्ट के 3 महीने कर लेना, बाकी तो काम करना है, बाकी गवर्नेंस की बात करो, बाकी काम की बात करो ना, किसने चुना है। अभी मैं आजकल पब्लिक में जा रहे हैं, हमारा चल रहा है स्कीम, चल रही है प्लान चल रहा है, आपका विधायक आपके द्वार, मैं जाता हूँ जगह जगह बात करता हूँ। तो वहाँ पर जब मैं बोलता हूँ कि भाई आप मुझसे क्या चाहते हो, पूछता हूँ लोगों से, तो उनकी डिमांड क्या होती है कि जी पार्क में एक झूला लगवा दो, सर आपने 2 लगवा दी थी एक और लगवा दो, कुछ लाइटें लगवा दी, सर 70 लाइट लग बहुत अच्छा लगा, 30 और लगवा दो, कैमरे लगवाए थे 10 और लगवा दो, ये सर बहुत अच्छा करा दिया, एक ये काम और करा दो, खड्डा भरवा दो, छोटे छोटे काम सब कुछ कह लेते हैं। उसके बाद मैं पूछता हूँ कि भाई किसी ने हेल्थ के बारे में कोई क्वेश्चन है, नहीं है। एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन है, कहते नहीं है। मतलब जो बड़े इश्यूज़ हैं ना उनको बड़ी चालाकी से नेताओं ने पर्दे से गायब कर दिया, सपने देखना ही नहीं सिखाया, जनता को ये बता दिया कि भाई तुम्हारे लिए तो पॉलिटिशियन का मतलब है तुम्हारी गली का गड्ढा भर जाए, बस इससे आगे कुछ नहीं।
बाकी अपने ऊपर। हाँ दूसरा एक और जी कहते फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब उसी जनता को कहते हैं तुम टैक्स देते रहो, उस टैक्स के बदले में मांगना कुछ मत। तो बहुत चालाकी से बताया गया है। और मुझे कहते इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि पढ़े लिखे लोगों को बड़ी जल्दी से बेवकूफ़ बनाया इन्होंने, वो बनाने के लिए मीडिया का बड़ा यूज़ किया गया है कि नहीं नहीं कुछ भी फ्री में नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे समझ नहीं आया भाई। आप टैक्स दे रहे हो तो आपके लिए तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए। प्रीपेड हो गया तो बिल्कुल, जब आपने पहले एडवांस में पैसा दे दिया फिर हर चीज़ के पैसे मांगो, क्यों मांगो हर चीज़ के पैसे भी, और किसके लिए? कहते आपने पैसा दे दिया अब मैं बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें 50% खा जाऊंगा, तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर वही काम जैसे 662 करोड़ का 60 करोड़ में कर दिया, 602 करोड़ पे बचे, उस 602 करोड़ में हम आपको कुछ फ्री दे देते, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? आप फ्री में कैसे दे सकते हो? अरे यार कमाल हो गया, आप ही का पैसा हमें बर्बाद हो रहा था उसको बचा लिया, आप ही को वापस कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, दूसरों को कॉपी करना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी स्कीम है, कॉपी करने लायक है। हमने एक ऑडिट कराया कि एक MRI कराने का सरकार को क्या खर्चा आता है। MRI की मशीन हमारी, बिल्डिंग हमारी, सिर्फ रनिंग कॉस्ट निकाली, ओपेक्स क्या है? ओपेक्स निकला 18,000 रुपये पर MRI। अच्छा, और 18,000 रुपये का एक MRI था और 2 साल की वेटिंग थी, जनता को 3,000 देने पड़ते थे, सरकार को 18,000 का खर्चा आता। हमने कहा भी इसको ये तो चलेगा नहीं, हमने स्कीम चेंज कर दी। आप कहते दिल्ली के अंदर 100 MRI मशीन लगी हुई हैं, आप कहीं भी जाके करा लो, हमारे अस्पताल में जाइए दिल्ली सरकार के, वो डॉक्टर साहब लिख देंगे, या पॉलिक्लिनिक में जाइए डॉक्टर साहब लिख देंगे, आप जाके फ्री में करा लीजिए, कोई पैसा नहीं देना। और मैं कितना पैसा देता हूँ उसको? कितना? 2400 रुपये। मतलब जो सरकार की कॉस्ट थी उससे प्राइवेट से उसकी कॉस्ट लगभग 7 गुना कम। भाई दूसरों से 6,000 लेते हैं, वो हमसे 2400 क्यों लेते हैं? बल्क में काम करा रहे हैं, बल्क डिस्काउंट मिलता है। तो मेरे लिए कितना आसान है कि उसी पैसे में 7 MRI हो गए, कोई कैपिटल कॉस्ट नहीं लगी, कोई कैपिटल कॉस्ट नहीं लगी, कोई बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ी, और जो 2 साल की वेटिंग थी खत्म हो गई, 1 दिन रह गई। अब जनता को ये लगा कि जहाँ पे मैं पैसे देके करा सकता था वहाँ मेरा फ्री, उसी जगह पे फ्री हो रहा है, जिस जगह पे आप पैसे देके करा रहे थे उसी जगह फ्री हो रहा है। तो ये स्कीम तो नकल हो जानी चाहिए, लेकिन नकल के भी शायद अकल चाहिए। ना ना ना, अकल नहीं, वो कहते हैं लोगों को आदत पड़ जाएगी, फिर वो डिमांड करेंगे कि स्टेट्स में मांगने लगेंगे। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ करें, मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ ना, सारे राज्य कर लें, कॉपी कर लें, पर वो करना नहीं चाहते। वो कहते फिर सरकार जनता हर चीज़ के बारे में पूछेगी ना कि तुम इस पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, इसको कम पैसे खर्च करके हमें दो ना। अगर वो बड़े बड़े सरमाएदारों से, बड़े बड़े लोगों से बड़ा बड़ा पैसा लेते हैं तो उनके लिए काम करेंगे ना। हम जनता से ले रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ आम आदमी पार्टी इलेक्शन में आई और आम आदमी पार्टी ने जनता से पैसा मांगा, किसी को आदत ही नहीं थी। कहते कमाल हो गया यार, इलेक्शन ये लड़ रहे हैं पैसे हमसे मांग रहे हैं। उन्हें विश्वास भी नहीं था कि जनता देगी भी कुछ, दिया जनता ने, जनता ने पैसा दिया और जनता के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, हम इनको किस चीज़ में हरा सकते हैं? देखो गुंडागर्दी में, लुच्चागिरी में, बदमाशी में, बेईमानी में, चोर बाजारी में किसी में नहीं हरा सकते, उसमें तो वो एक्सपर्ट है ही ना। हम हरा सकते हैं काम पे, इसलिए हम काम कर रहे हैं, वो बाकी जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। तो हमारे पास दिखाने के लिए एक ही चीज़ है, वो है काम, और इसलिए काम पे लगे हुए हैं। पिछला देखो जब हमने फर्स्ट इलेक्शन लड़ा 28 सीटें आई थी, तब लोगों को नहीं पता था भाई काम की बात ही नहीं। जब 67 सीटें आई तब भी हमने 49 दिन का काम किया था, लोगों को ज़्यादा काम नहीं पता था। पर जो दूसरी बार जीते हैं, तीसरी बार जो जीते हम लोग, 5 साल के काम पे वोट पड़ी थी, और ये पहली बारी है कि किसी पार्टी को 2 बारी लगातार 90% सीटें मिली है। ऐसा देश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, 90% सीटें मिलना असंभव सी चीज़ है। वो सिर्फ काम पे वोट पड़ा है और अब की बारी फिर काम पे वोट पड़ेगा। और काम मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, सब पे काम कर रहे हैं। और साथ में 2 काम मैंने नए बता दिए हैं, 24 घंटे पानी देंगे और यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे। ठीक है, आइए बैठते हैं। मेरे लिए भी एक नया अनुभव है कि कैसे हम एक वेटलैंड में शूट कर रहे हैं जो एक्चुअली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जैसा आपने बताया, और अचंभा वाली बात है। तो और क्या जैन साहब, और क्या अचंभा करने वाली है सब दिल्ली सरकार? अब कुछ 2-3 एक्सपेरिमेंट्स बताएं जो आप बता सकते हैं। मैं जानता हूँ कि एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना 24 घंटे पानी देंगे। अब 24 घंटे पानी देने के लिए क्या होता है, हमने कहा कि पानी को रिचार्ज कर देंगे। अब रिचार्ज तो कर दिया, उसको निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
अगर हम बोरवेल से निकालते हैं, छोटे छोटे बोरवेल लगा के निकालते हैं ना, तो कितने बोरवेल लगाएंगे? बल्कि पानी रिचार्ज हो गया, अब उसको निकालना भी तो है भाई। जितना हमने रिचार्ज किया उसका आधा तो निकालेंगे। मेरा मानना है कि जो आपने पानी सप्लाई में दिया उसका 80% आपके पास सीवेज में आया, उस 80% को आपने रिचार्ज किया, 80 में से चलो 50% रिचार्ज किया, उस 50 में से कम आधा यानी टोटल का 25-30% तो आप निकालोगे भी। तो निकालने के लिए अगर बोरवेल से निकालते हो तो कितने हज़ारों बोरवेल लगाने पड़ेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो अभी बहुत इनोवेटिव तरीके के कुछ वेल्स बनाए जा रहे हैं, वो भी वही वाली बात एक्सपेरिमेंटेशन है। अभी जो साइट के ऊपर चल रहे हैं 3 वेल ऐसे चल रहे हैं, तीनों बिल्कुल अलग डिजाइन है। तीनों मतलब क्या था कि पीडब्ल्यू भी मेरे पास है तो वहाँ पे हम वेल्स बनाते हैं फाउंडेशन के लिए, जो बारापुला ब्रिज बन रहा है उसकी फाउंडेशन के लिए मैं साइट पे गया, तो ब्रिज के लिए फाउंडेशन के लिए वेल थे। तो उससे आइडिया आया कि जब फाउंडेशन के लिए वेल बन सकते हैं तो जो हम सैकड़ों साल पहले वेल बनाते थे, सिंकिंग वेल बनाते थे, सिंकिंग वेल बनाना स्टार्ट किया, बन रहा है। फिर दूसरा आइडिया मिला जो हमारे पाइल्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर पाइल करते हैं, वो भी फाउंडेशन के लिए होती हैं। तो मैंने 42 पाइल्स को जोड़ के एक कुआं डिज़ाइन कर दिया। अब सारे इंजीनियर्स हाथ पैर फूल के कहते सर ये क्या कर दिया आपने, ऐसे तो कभी बना नहीं। मैंने ट्राई करो, कहते सर पॉसिबल नहीं है। मैंने देखो, फिर मैंने बना के ड्राइंग वगैरह दी इनको, तो कहते सर हाँ ट्राई करके देखते हैं। थोड़े दिन बाद बड़ा मज़ा आने लगा। उसकी वेल सिंकिंग मतलब जो पाइल थी, 42 पाइल्स बन चुकी हैं। अब उसमें से मिट्टी निकालने का काम कल से स्टार्ट हुआ है, वो एक वो चल रहा है। तीसरा है डायफ्राम वॉल होती है, वो भी फाउंडेशन के लिए यूज़ होती है, उससे भी एक वेल बनाया जा रहा है। तो सारे के सारे मुझे लगता है दुनिया में, देश में नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ इन आइडियाज़ पे दुनिया में पहली बार ही बन रही सारी चीज़ें। तो तीन अलग अलग चल रहे हैं, उनमें से तीनों को अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया। चौथा भी चल रहा है, एक और चौथे में भी हम ट्रायल कर रहे हैं कि जैसे हम बोरवेल करते हैं, बोरवेल का जो पी ग्रेवल भरते हैं उसके लिए डाया बढ़ा रहे हैं लोग। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे साथ साथ चल रहे हैं, ताकि ये हो कि अभी जब तक इनोवेशन नहीं होगी, इनोवेशन को लोग समझते हैं कि बिल्कुल सब कुछ ज़मीन से नया स्क्रैच, या इन्वेंशन एंड इनोवेशन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। इन्वेंशन होती है प्योर साइंस कि तुमने बिल्कुल नई चीज़ कोई बना दी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए इन्वेंशन, पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे किया वो दैट इज़ इनोवेशन। तो अब बहुत सारी चीज़ें दुनिया के अंदर हैं, और देखो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें बाई प्रोफेशन भी कह सकते हैं, या सोचने के कह सकते हैं कि मेरे को लगता है कि अलग तरीके से क्यों नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे पेंसिल है, बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा। एक पेंसिल है वो क्या करती है, लिखने का काम करती है। अब कहा जाए तो पेंसिल के लिए किस किस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, जो काम वही करे, पेन का कर सकते हो आप उंगली को लिख सकते हो, उंगली से लिख सकते हो आप, कहते हैं डंडी से लिख सकते हो आप। मतलब अगर सोचने बैठेंगे तो इनोवेटिव तरीके से 100 तरीके से निकाल सकते हो कि वही काम लिखने का आप 100 चीज़ों से अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अब पेंसिल को किस किस यूज़ में ले सकते हो, पेंसिल लिखने के काम ले सकते हो, पेंसिल से आपके अपना बाल करके जुड़े में लगा सकते हो, पेंसिल से आप स्ट्रीट फर्नीचर बना सकते हो पेंसिल के टाइप में, बच्चों के खेलने की जगह बना सकते हो। एक होता है कि चीज़ को डिफरेंटली करना और डिफरेंट तरीके से करना, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से करना और अलग अलग चीज़ों को एक ही तरीके से करना। तो ये मतलब हमारे को हिम्मत होनी चाहिए। तो मुझे क्या है कि मुझे चीज़ों को दूर से देखने का बहुत मौका मिला है। अब मेरे पास देखो 8 मंत्रालय, अब मैं पीडब्ल्यूडी भी देख रहा हूँ, मैं जल बोर्ड भी देख रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी भी देख रहा हूँ, तो अलग 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 सबकी एक्सपर्टीज़ है। मेरे को सबको देखने का मौका मिल रहा है, तो मैं किसी भी चीज़ को कहीं भी लगा देता हूँ। मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हुआ मेरा, जब जल मंत्री बना मैं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखने गया पहली बार, तो मेरे दिमाग में पिक्चर थी कि भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होगा ना रिफाइनरी की तरह से बहुत ही टॉप ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट कोई चीज़ होती होगी। रिफाइनरीज की फ़ोटोज़ मैंने देखी थी बहुत, कि भाई ऐसा लगता क्या शानदार होगा। तो मैं दिल्ली गेट पर, हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, मैं देखने गया, और वो लकीली दिल्ली का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें कि आउटपुट जो पैरामीटर्स हैं जो नॉर्म्स है उससे भी अच्छा देता है। जब मैं गया तो एंटी क्लाइमैक्स था, एंटी क्लाइमैक्स क्या, वहाँ पर तो कोई रिफाइनरी नहीं थी। अच्छा, वहाँ पर प्रोसेस के 3 पार्ट थे। फर्स्ट कि जो गंदा पानी आता है उस पानी को टैंक्स में रख के सेटल होने दिया जाता है, उसको कहते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। और उसमें ओवरफ्लो करके पानी साफ होकर निकल जाता है, 30-40% गंदगी उसमें बैठ जाती है। सेकंड लेवल आता है, उसमें एरेशन करते हैं। एरेशन क्या होती है कि जो उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल गंदगी होती है उसको बैक्टीरिया खा जाता है। तो बैक्टीरिया खाएगा कब, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, वरना खा नहीं सकता।
तो उसको ऑक्सीजन की जगह एयर देते हैं, एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, तो सेकंड लेवल पर ऑक्सीजन थी, उसके दो हिस्से किए थे उन्होंने, दो बार देते थे, और थर्ड के अंदर फिर से एक टैंक था जिसमें पानी सेटल हो जाता जो गंदगी थी नीचे बैठ जाती थी। तो मैंने 10 बार पूछा, मैंने कहा बस यही है, कहते हाँ जी यही है। मैंने इसी को STP कहते हैं, कहते हाँ जी इसी को कहते हैं। फिर मैंने कहा ये प्रोसेस तो बायोलॉजिकल है, इसको इतना टेक्निकल क्यों कहते हैं? कहते नहीं, सिस्टम सारा बायोलॉजिकल ही है, सब कुछ बैक्टीरिया से होता है, सब कुछ इसको बायो मिमिक्री कहते हैं। बायो मिमिक्री मीन्स कि जो बायोलॉजी अपने आप कर रही है वही हम मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना अच्छा नहीं कर पाते पर उसकी तरह से कोशिश करते हैं। तो मेरे लिए क्या हुआ, इतना आसान हुआ समझना, और सबसे अच्छा एग्जांपल देख लिया मैंने पहली बारी। तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये ना तीन मेन स्टेज है, तीन के साथ 10 भी हो सकते हैं, छोटी छोटी कहेंगे आप, ग्रिड चैम्बर है, ये चैम्बर, मोटे तीन प्रोसेस है। मोटे तीन प्रोसेस हैं, वो समझ में आ गए। आप समझ में आ गए तो उसको किसी भी तरह से अप्लाई कर लीजिएगा, कि आप टैंक जरूरी नहीं RCG का ही बनाएं, टैंक आपका ये भी तो टैंक है। अभी जिसके सामने आप बैठे हैं इसके अंदर मैंने फ्लोटिंग प्लांटेशन कर दी, इस प्लांटेशन से पानी साफ नहीं हो रहा है, इसकी जड़ों से भी नहीं हो रहा है, जड़ों के अंदर बैक्टीरिया चिपक जाएगा, वो बैक्टीरिया जो इसके अंदर गंदगी उसको खा जाएगा, उसको खाएगा कब, जो उससे ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन के लिए हम फ्लोटिंग एरेटर लगा देंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, ये भी सारे काम वही करेगा जो वो कर रहा है। तो क्या था कि मैं दूर से देख पा रहा था तो मेरे लिए बहुत आसान रहा। दूसरा क्या था कि देखो, जब मेरे को ये मिला, झटका मिला, फिर मैं इसकी डिटेल में गया। तो शुरू शुरू में मुझे याद है कि वाइफ भी कहती थी क्या हो गया, सुबह 4 बजे रोज़ उठता था मैं, 4 से 8 बजे तक की मेरी विजिट होती थी, ना पढ़ाई होती थी। अच्छा। सुबह 4 से 8 तक मैं डेली पढ़ता था, और मैंने नेट से सर्च कर करके फाइटोरेडिएशन क्या होता है, नेचुरल वेटलैंड क्या होती हैं, ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होता है, STP कैसे काम करते हैं, तरह तरह के STP कैसे होते हैं, मल्टी लेवल कैसे हो सकते हैं, फिर मैं अपने स्केच बनाता था। मैंने कहा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, फिर मैं कुछ एक्सपर्ट से पूछता था, अभी मैंने ये सोचा है, कुछ बिल्कुल फिजिबल नहीं थी, कुछ ये कहते हाँ जी हो तो सकता है, हाँ जी हो तो सकता है। तो मैंने क्या देखा कि ये ना बिल्कुल दो अलग अलग स्ट्रीम चल रही थी, एक नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और एक चल रही थी कि जो केमिकल बेस्ड, केमिकल नहीं था तो वो भी नेचुरली, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के था, और दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं था। तो मैंने अब इसको कोशिश करके कि दोनों को आपस में फ्यूजन कर दिया। तो फ्यूजन करके मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता, जैसे मेरे जितने भी STP हैं सभी STPs की हम सिविल वर्क नहीं कर रहे दोबारा से, वरना होता क्या, एक शब्द होता है रेनोवेशन या रिहेबिलिटेशन कहते हैं इसको, जितने भी STP हैं देश भर के अंदर वो 10-15-20 साल के बाद रिहेबिलिटेट होते हैं, फिर से वो 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं रिहेबिलिटेशन के नाम पर, और 4-4, 5-5 साल लगते हैं रिहेबिलिटेशन, सारे टैंक तोड़ देते हैं, सारा RCG वर्क तोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने ये समझ लिया था, इसको समझने के बाद मैंने कहा भी देखो ये प्रोसेस सिंपल सा है, पहले लेवल में PST में डोजिंग कर रहे थे, वो डोजिंग होती है कि इसके अंदर वो डोज कर देते हैं, तो जो प्रोसेस 3 घंटे का तो 1 घंटे में हो जाता है, तो ये डोजिंग कर दो, केमिकल होता है डोज होता है वो भी नीचे बैठ जाता है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे कि ऐसे नहीं, मैंने कहा वहाँ पे देख लो दिल्ली गेट पे लगा हुआ है तो वहाँ पे ठीक है गलत, कहते नहीं वहाँ तो ठीक है, तो वहाँ पे ठीक है तो यहाँ भी ठीक होगा। दूसरा मैंने कहा एरेशन बढ़ा दो, जितनी भी एयर है उसकी एरेशन बढ़ा दो, जो टैंक है ऑलरेडी उसी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तीसरा था उसमें मीडिया यूज़ कर रहे थे, वो मीडिया किस लिए होता है कि जैसे हम कोई भी मीडिया ले सकते हैं कि जिसके पास बैक्टीरिया चिपक जाए जो उसको खा ले, तो मैंने तीसरा मीडिया डाल दो उसके अंदर। चौथा हमने कहा भाई इसके अंदर जो स्लज निकलेगी, स्लज के लिए आप बायोडाइजेस्टर बना लो, और बायोडाइजेस्टर से पहले हमने कभी सैंड फिल्टर लगा, फिल्ट्रेशन एक होता है जगह जगह हो रहा है, मैंने इसको लगा दो, और बायोडाइजेस्टर लगा दो, लास्ट में इंसिनरेशन कर दो, ताकि जैसे ZLD होता है ना, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, आजकल टर्म सबको पता है, हमने जीरो वेस्ट डिस्चार्ज भी कर दिया है, मेरे जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे वहाँ से कोई वेस्ट नहीं निकलेगा, जीरो वेस्ट निकलेगा। अभी तक क्या होता है कि जो वेस्ट होता है उसमें वेस्ट को कहाँ ठिकाने लगाए, उसको वहीं पे ठिकाने लगाएंगे, तो स्लज भी वहीं पे ठिकाने लगाएंगे, सब कुछ वहीं पे करेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा दूर से देख रहा था इसलिए मेरा थोड़ा आसानी रही, और अब हमने मतलब वी आर फर्म कि हम कर देंगे, सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, सबकी क्वालिटी को जो 30-30 था या 30-50 था 10-10 से नीचे लेके आ रहे हैं, सबसे हम कहते हैं उसको लेक्स बना रहे हैं, आप रिचार्ज करेंगे, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले 2-2.5 साल के अंदर इस काम को हम कर देंगे। तो क्या होता है कि थोड़ा दूर से देखने की वजह से और थोड़ा इनोवेशन किया, कई लोग ये भी सोचते हैं कि भाई मैं तो मंत्री बन गया, मंत्री का काम थोड़ा होता है, मंत्री का काम तो डायरेक्शन देना होता है, 4 बजे उठ के कौन मंत्री बनता है, नहीं नहीं डायरेक्शन देने से ही काम होना होता तो हो चुका होता। सही बात, कई सारे लोग ये भी कहते हैं
कि मुझे आज भी याद है, एक बार ना मनीष जी ने मुझे बुलाया, शुरू की बात बताता हूँ कहते यार घर भी चले जाया करो रात को तो 2-2 बजे तक मीटिंग चला करती थी। हाँ, तो मैंने कहा सर देखो क्या है कि अभी गाड़ी चलानी सीख रहा हूँ मैं, नए नए मंत्री बने हैं अभी मैं सीख रहा हूँ सब कुछ, जब गाड़ी चलानी सीख जाऊँगा तब पीछे भी बैठ जाऊँगा, कोई बात नहीं, तो अभी सीख रहा हूँ तो एक एक फाइल को पूरी पूरी पढ़नी पड़ती है। तो दरअसल क्या है कि हमने ये समझ लिया, गवर्नेंस को ये मान लिया कि पॉलिटिक्स को ये माना है कि इलेक्शन जीतना फिर अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करना, बस ये मान कर चला। मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम एक बार जीत गए तो तुम्हारे को जनता ने तुम्हारे ऊपर एक ऋण चढ़ाया है, तुम्हारे को एक काम सौंपा है, अब उसको करना है तुम्हारे को। कई चीज़ें वादे आपने मैनिफेस्टो में किए होंगे, कई नहीं भी किए होंगे, आपने नहीं भी किए हैं तो उनको भी करो यार, सिर्फ वोट के लिए नहीं करना। कई लोग ये कहते हैं आपको वोट मिलेगी, मैंने कहा पहले दे रखी है यार, ये क्या काम है, आगे की छोड़ो, आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, जो 3-3 बारी आपने केजरीवाल सरकार बनाई वो क्या कम है, उन 3 बारी का तो हम कहते कुछ करके दिखा दें। तो ये इनोवेशन जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मेरा तो एक थ्योरी है, मैं इसको कहता जीरो थ्योरी। जीरो थ्योरी का सिंपल सा लॉजिक है, क्वालिटी 10x, मतलब क्वालिटी को 10 गुना बढ़ाने की कोशिश करो, जो भी क्वालिटी आपको मिल रही है सबसे पहला कसौटी है कि 10 गुना रहे, क्वालिटी को 10 गुना अच्छी करने की कोशिश करो, कॉस्ट डिवाइड बाय 10x, कॉस्ट को 10 गुना कम करने की कोशिश करो। और मैं बहुत सी जगह दोनों जगह सफल हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए मोहल्ला क्लिनिक है, उससे पहले डिस्पेंसरी बनती थी 4 करोड़ रुपए की, मैंने कहा भाई 10x कॉस्ट कम करो तो कितनी होनी चाहिए थी, 40 लाख, मेरा मोहल्ला क्लिनिक 20 लाख में बन गया और आधा हो गया उसको, तो यानी 10x से ज़्यादा कम कॉस्ट कर ली मैंने। क्वालिटी आप आज भी जाके देख लीजिए, डिस्पेंसरी जो हुआ करती थी, देश में बहुत सारी हैं, कहीं टेस्ट नहीं होते, मोहल्ला क्लिनिक 212 टेस्ट होते हैं, 212 बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो अस्पताल में भी नहीं होते, दवाइयाँ सारी मिलती हैं, डॉक्टर हैं वहाँ पे, सब कुछ हो रहा है, क्वालिटी को भी 10 गुना अच्छा कर दिया, एयर कंडीशन है, शानदार है, तो सफल हुए ना। ऐसे मैं इसमें पानी में लगाऊँ कि भाई देखो जो कॉस्ट 20,000 करोड़ होनी थी उसको कम से कम 90% कम कर लो, टारगेट ये है भाई, तुम टारगेट तो बनाओगे ना कुछ, फिर क्या क्वालिटी को 10 गुना बढ़ा दो, तो दोनों तरफ चल रहे हैं, दोनों तरफ सफलता मिल रही है। तो ये जो 10x वाली फार्मूला है ये बहुत हद तक सफल है, और मेरा एक चीज़ फर्म बिलीफ है, देखो जो चीज़ स्ट्रक्चरली ब्यूटीफुल होगी उसकी कॉस्ट भी कम होगी, जो चीज़ वेल डिजाइंड होगी उसकी कॉस्ट कम आएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जो लाउजी वर्क होता है ना, अगर आप 100 रुपये के काम में 1,000 रुपये लगाएंगे तो काम ख़राब ही होगा, अगर 1,000 रुपये के काम को आप 800 रुपये में 700 रुपये में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी कर सकते हो, वरना कर नहीं सकते, और इससे पॉसिबल है। हमने देखो फ्लाईओवर्स बनाए, हर फ्लाईओवर को हमने टाइम से पहले पूरा किया, कॉस्ट बचाई, 300 करोड़ का फ्लाईओवर 225 करोड़ में बना दिया, उसका भी मैं किस्सा बताता हूँ। जब 2015 में हमारी दोबारा सेकेंड टाइम सरकार बनी तो एक कई सारे होते हैं ज्ञान देने वाले लोग आते हैं, तो मैं उन दिनों ना रात रात को भी फ्लाईओवर्स बन रहे थे, कई सारे फ्लाईओवर चल रहे थे, जो फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी उनकी, बस मैं सारे डिपार्टमेंट को बुला बुला के मैंने कहा इनको सबको 2 साल में ख़त्म करना है, तो कहीं अखबार वगैरह छपा हुआ, सचिन जैन रात को 2 बजे साइट पे गए तो वो मेरे पास आए, कहते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो, मैंने क्यों क्या हुआ, बड़े सीनियर नेता थे कोई किसी और पार्टी के, अच्छा, कहते हैं ऐसे थोड़ा होता है कि आप इस पर 1.5 साल में 2 साल में ख़त्म कर दोगे सारे काम, कहते हैं इनको सबको बंद करा दो, आखिर के 1 साल पहले दोबारा चालू करना, और लोगों को कहना कुछ थोड़े बहुत खत्म हो जाएंगे, बाकी कहना अभी और दोबारा वोट दो तब जिताना हमारे को तो पूरा करेंगे। तो मैंने हम ये करने नहीं आए थे, और हमने सारे के सारे काम, पहली बार ऐसा था कि हमने सारे काम वो लगभग 1.5-2 साल में कम्प्लीट किए और ख़त्म किए, वरना ये होता है कि अच्छा जी किसी और सरकार ने स्टार्ट किया था ना उसने, और तो कुछ नहीं किया था, तो वो कहते हैं छोड़ दो अब दोबारा बाद में देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे, हमने सबको ख़त्म किया। असली मकसद क्या है कि सरकार का जो पैसा है ना उसको ठीक जगह पर ठीक तरीके से लगाना बहुत जरूरी है। ठीक बात, अभी आपने मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया, अभी कंटेनर पे कुछ मोहल्ला क्लिनिक का इनोवेशन किया आपने, आपके आर्किटेक्ट माइंड ने, अब इसको ये कहाँ तक लेके जाने वाला है मोहल्ला क्लिनिक में? देखो जब हमने बनाने स्टार्ट किए ना, मुझे तो वन ऑफ द प्रोजेक्ट था ही, दिस इज़ नॉट द ओनली प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, ये करना, उसमें से भी था, तो ये लिस्ट में था कि 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, और मुझे ऐसा लगता है हम 2 या 3 साल में पूरा कर देंगे। तो सीएम साहब मुझसे पूछते कितना समय लगेगा, मैंने सर मैक्सिमम 3 साल लगेंगे, 3 साल में बना, पहले साल में 100 बना भी दिए थे हमने, ट्रायल भी हो गया, सब कुछ हो गया था,
पर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, हमें नहीं पता था देखो पॉलिटिक्स क्या होती है। हमारे जो अपोजिशन में लोग बैठे थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उन्हें पता था कि मोहल्ला की नक्की क्या वैल्यू है। हम तो ये मान के चल रहे थे भी एक आम जनता को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए काम कर रहे थे। उन्होंने पूरी जान लगा दी। दिल्ली में पता होगा कि दिल्ली में जो लैंड है उस सेंटर का सब्जेक्ट है, दिल्ली सरकार के पास लैंड नहीं है। डीडीए ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंटर के अंडर आती है, उसने पहले हमसे वादा किया कि हम 500 मोहल्ला की जगह दे देंगे। उन्होंने कहा था सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं देंगे आपको, एक भी मोहल्ला क्लिनिक की ज़मीन नहीं दी। एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने हमारे कई मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए, कई सारे रुकवा दिए। मतलब उन्होंने ऐसा रेजिस्टेंस पैदा किया, सीबीआई इंक्वायरी चालू कर दी उस मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर। मोहल्ला क्लिनिक के लिए रोज़ सीबीआई वाले मेरे ऑफिस में आने लगे, अफसरों के पास जाने लगे। उन्होंने जो आपको बताऊं मैं, पेपर्स पता कितने पेपर्स मंगाए थे? मोहल्ला बड़ी मशहूर हुई थी वो स्टोरी। क्लिनिक के प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी मंगाई सीबीआई ने, कि आपने प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं तो लाखों प्रिस्क्रिप्शन की फोटो कॉपी मंगा ली उन्होंने, कि सबकी हमारे को कॉपी ला के दो। तो यहाँ तक हमें नहीं पता था कि राजनीति इतनी गंदी भी हो सकती है। तो पूरी जान लगा दी उन्होंने कि भाई किसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक बनने नहीं चाहिए। तो उसके बाद पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है, और फिर भी हमने हर तरीके से करके 500 तो स्टार्ट कर दिए, 1000 भी करेंगे। और जो कंटेनर में बनाने का मकसद है वो यही है कि भाई साइट पे काम ज़्यादा ना हो, क्योंकि साइट पे जब हो रहा होता है ना 3-4 महीने लगते हैं, तो ये आ जाते हैं, दूसरी पार्टी वाले लोग आ जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, देखो ये मोहल्ला क्लिनिक में खिड़की नहीं है। अरे ये बन रहा है भाई, खिड़की कहाँ से लगेगी, बाद में लगेगी, या उसके अंदर कुत्ता घुसा हुआ है यार। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन दीवारें भी नहीं बनी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो हमने सोचा अभी बना बना के लाएंगे, 3-4 महीने साइट पर काम नहीं करेंगे, 3-4 दिन का काम साइट का होगा, तो कम से कम इन चीज़ों से थोड़ा बच जाएंगे। और दूसरा, ये जो मेंटलिज्म होती है ना बनने के टाइम पे, कि इसका ये उतार के ले गए, इसका ये उतार के ले गए, कुछ लोग उस वेंडलिज्म से भी थोड़ा बच जाएंगे। और कंटेनर जो है ना थोड़ा मजबूत भी होता है। एक मोहल्ला क्लिनिक में पता नहीं किस वजह से कुछ चोरियाँ तो कुछ ज़्यादा होने लगी हैं, तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी। हमने 2 मोहल्ला क्लिनिक अभी कंटेनर में बनाए हैं, अभी तीसरा मॉडल फिर से बना रहे हैं, इसको कुछ इंप्रूव कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि जो भी किया, अब करने को तो मोहल्ला क्लिनिक फेमस था, हमें कुछ करने की जरूरत थी नहीं उसके आगे। हमने नया बनाया, वर्जन 2 बनाया, वर्जन 3 बना रहे हैं इसके बाद। तो आपने बताया कि इतना सारी कैलकुलेशन, इतनी मेहनत, मतलब लोग, सरकारें चल जाती हैं, वोट मिल रहे हैं, आप थोड़ा सुकून से भी, आराम से भी सरकार चलाई जा सकती थी। शाम को मैंने सुना है आप 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, उसके बाद से लेकिन आप 12 से 1 बजे तक काम कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ जोश से हो जाता है या कुछ और भी लगता है? मतलब ये बहुत लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि क्या है गवर्नेंस का मतलब। देखो पॉलिटिक्स, मेरा तो फर्म बिलीफ है पॉलिटिक्स सबसे ख़राब कैरियर है, बट पब्लिक सर्विस के लिए सबसे अच्छी जगह है। अगर आपको कुछ करना है, आपको लगता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं जनता के लिए, तब तो ये जगह सही है। अगर आपने अपने लिए करियर बनाना है, तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिजनेसमैन बनो, पॉलिटिशियन क्यों बन रहे हो? बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं अपना करियर बनाने के लिए, तो अब उसको डे एंड नाइट अपनी अगले इलेक्शन की चिंता होती है, अगले पद की चिंता होती है, कि इससे बड़ा वाला पद मुझे मिलेगा, कि इससे बड़े वाले पद के लिए चिंता होती है। मुझे लगता है कि पब्लिक सर्विस की जगह है, और पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं तो मैं जो कर रहा हूँ, जिसमें मेरा दिल लगता है, मैं वो कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ छोटी शेयर करूँ, जब 49 डेज की सरकार बनी थी, मैं मंत्री बना, उस टाइम पे भी दिन रात काम किया करते थे। मेरी वाइफ का किसी ने इंटरव्यू लिया, कहते ये आपके हस्बैंड मंत्री बन गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, कहते हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, और मैं कहूँ तो मतलब वो काम के लिए पागल हो गया है, बट ही इज एंजॉइंग। कहते वो लगता है कि अब उसको सही जगह मिली। जिंदगी भर मैं हमेशा से तरह तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा रहता था, कि इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो मुझे लगता है कि शायद भगवान ने जो कहते निमित्त बनाया है, कि होता है ना भाई, तुम्हारे को एक फनल बना लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं, करने वाला तो ऊपर वाला ही है, देखो जो भी करने वाला है ऊपर वाला है। तो उसने हमारे को निमित्त बनाया कि भाई चलो ये काम इसके इसको माध्यम बना लेते हैं। पर इतनी प्रेशर में सरकार हमारी काम करती है, सीएम साहब इतना मतलब टोज पे रखते हैं सारे चीज़ों को, प्रेशर, उनका टारगेट, उनका फॉलोअप इतना स्ट्रांग है, तो इतना स्ट्रेस के बावजूद सिर्फ 5-6 घंटे की नींद लेके काम करना, इसमें कुछ तो आपके पास ऐसा कुछ मंत्र होगा जो 18 घंटे काम किया जा सकता है जिससे। एक्चुअली में इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। अगर
सेल्फ मोटिवेशन है, तुम्हें खुद को लगता है मुझे करना है तो तुम्हें करना है ना, तुम्हें दूसरे ने थोड़ा कहा कि ये करो, ये तुम्हारी को तुम्हारी झील है ना, तुम्हें करके दिखाना है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई यमुना नदी साफ करके दिखाएंगे, तो उसके लिए तो काम तो करना पड़ेगा। मैं दूसरी तरह से बताता हूँ, अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है सबसे मुश्किल काम क्या है, डिक्लेयर कर दो। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया, पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया, तो अब उसको सफल करने के, क्योंकि आपने अपने मन में कहा, मन तो चंचल है, बदल जाएगा थोड़े दिनों में, अब पब्लिकली डिक्लेयर कर दो। मैंने पब्लिकली डिक्लेयर किया, नहीं पूछते मैं फिर भी बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ, हर मंच से बताता हूँ कि ये कर दूंगा। उसका कारण ये है कि भाई पीछे नहीं मुड़ के देख सकते, अब तो लोग आगे लेके ही जाएंगे। इसका भी रीज़न है, मैंने एक बार क्या हुआ कि 20-22 साल पहले ना ऐसी चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ी थी एक साल के लिए। अच्छा, मैं आर्किटेक्ट था, साइटों पे जाता था, तो जो भी जाता था, जैन साहब चाय नहीं पीते, कॉफ़ी भी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते, ये तो नहीं पियेंगे जी, ज़िंदगी भर के लिए छोड़वा दी उन्होंने। तो अब ये लगता है डिक्लेयर अगर कर दिया तो लोग छोड़ेंगे नहीं, वो करवा ही देंगे। मैंने कहा डिक्लेयर कर दिया यमुना नदी साफ़ करेंगे, तो अब लोग पीछे पड़ जाएंगे कि अब तो करनी पड़ेगी भाई। हमने कहते 24 घंटे पानी देंगे, तो लोग पीछे पड़ जाएंगे ना, प्रेशर चारों तरफ से आएगा ना, करो 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 करो, क्यों नहीं, तुमने कहा था, हमने थोड़ा कहा था भाई, जनता की डिमांड नहीं थी, जनता एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि कोई कर सकता है ये, तो हमने कहा। तो जब डिक्लेयर कर दिया तो, और दूसरा हमारे जो हेडमास्टर हैं वो तो सख्त हैं, सबको पता ही है, तो अरविंद केजरीवाल जी तो प्रॉपरली हर चीज़ का लिखित में रिव्यू लेते हैं कि भाई कभी ना कभी हर हफ्ते किसी ना किसी डिपार्टमेंट से चल रहा होता है, तो उनको सारा हिसाब किताब देते हैं कि भाई कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फैमिली का टाइम तो बहुत कट हो चुका हो, पर जितना होता है क्वालिटी टाइम होता है। दूसरा एक चीज़ बताऊँ, देखो हमारे को है क्या, या तो जनता का काम या फैमिली के साथ, हमेशा या तो घर वालों की निगाहों में या जनता की निगाहों में, उसके अलावा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी सेट कर दिया आपने, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट था 2013 में, 2012 में जब पार्टी बनी, 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा, आपको लगता है ये एक्सपेरिमेंट बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा? ज़रूर। देखो लोगों को ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि भाई ये मान लिया गया था अलग अलग कैरियर है, उसमें से पॉलिटिक्स भी एक कैरियर है। पॉलिटिक्स एक पब्लिक सर्विस है, ये लोगों को नहीं पता था। और हिंदुस्तान देखो 1947 में आज़ाद हुआ, परंतु रियल डेमोक्रेसी क्या है ये लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। पहली बारी जनता को लगा कि अरे हम तो अपनी भी सरकार बना सकते हैं। जब हमें 28 सीटें मिली थी, सारे लोग ये कह रहे थे हमें नहीं पता था जीत सकते हैं, वो कह रहे थे हमें नहीं पता था यार केजरीवाल जी की सरकार बन सकती है। जब दोबारा मौका मिला तो 70 में से 67 सीटें थी, इसी बात की थी कि अरे ये तो जीत सकते हैं, उनको पहले लगता था यार ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। तो लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि भाई जो आदमी, मतलब ऐसा नहीं कि एटर्निटी तक वही रहे, उसको चेंज भी किया जा सकता है, जनता के काम के लिए आ सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, और अब तक नेताओं को कुछ जनता के लिए करने की आवश्यकता थी नहीं। अब देखो केजरीवाल सरकार का कितना प्रेशर है, बहुत सारी सरकारों को कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, बिजली को लेकर ऐलान होने शुरू हो गए पूरे देश में, जो पहले विरोध करते थे अब वो भी ऐलान कर रहे हैं, जो लोग पहले इसका मजाक उड़ाते थे वो कहते हैं नहीं हम भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोग जनता के लिए कम से कम कहना तो स्टार्ट किया, बाकी जनता पूछ लेगी उनसे। यहाँ पर आसमान में बहुत सारे जहाज हैं क्योंकि हम एयरपोर्ट के करीब हैं। एक कुछ आपने मुझे बताया था, एक बार मैं चाहूँगा सब तक पहुँचे वो मैसेज। देखो जब मैं बहुत छोटा था ना, घर में एक खिड़की थी, उस खिड़की से रोज एक हवाई जहाज, यहाँ पे तो हम बैठे हैं तो 20-25 जा चुके हैं, एक जहाज जाता था, बहुत छोटे थे। मेरा स्कूल सेकेंड शिफ्ट में था, 12-12:30 बजे जाते थे, तो सुबह 10-11 बजे करीब वो हवाई जहाज जाता था। तो जहाज़ को देख के ना मैं खिड़की से देखा करता था और सोचा करता था ये उड़ता कैसे है। कभी ये एस्पिरेशन नहीं हुई, कभी ये सोचा नहीं कि जहाज़ में बैठ सके, इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई ये बस सोचना है तो ये सोच लो कि हवाई जहाज में बैठेंगे जी। ये था कि उड़ता कैसे है, ये समझ नहीं आता यार, इतने सारे लोगों को लेके मतलब हवा में उड़ रहा है। मेरा तो कागज़ का हवाई जहाज गिर जाता जी, अपने कागज़ के हवाई जहाज उड़ा करते थे, वो तो उड़ाते थे थोड़ी देर में नीचे गिर जाता था, और ये इतने सारे लोग लेकर उड़ जाते हैं। और फिर ऐसा समय आया ज़िंदगी में कि एक ही दिन में 3-3 4-4 बजे हवाई जहाज में बैठना पड़ा,
तब मुझे लगा कि देखो इस सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है। एक ऐसा बच्चा जिसको ज़िंदगी में सोच नहीं पाया, बचपन में ये नहीं सोच पाया कि हवाई जहाज में बैठना है, वो बार बार बैठ पा रहा है। तो बस यही था कि इस सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, तो पे बैक करने की कोशिश ज़रूर करनी है, सोसाइटी को वापस ज़रूर करने की कोशिश करनी है। तो ये बहुत रहा दिल में, और मुझे लगता है उसी की वजह से, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक अब पिक्चर आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो आपके सामने एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बैठे। वैसे पॉलिटिक्स में आपका आना हुआ कैसे? मतलब हम बहुत सारे युवा नेताओं से हमारी बात हुई पार्टी के, वो आंदोलन में थे, फुल टाइम हो चुके थे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं फुल टाइम हो चुका था, मन ही नहीं लगता था कहीं, और मेरे पास कुछ छोड़ने के लिए उतना था नहीं, तो एक जॉब थी वो छोड़ दी और आ गए। आपका सेटल बिजनेस था, आप एक सेटल नामी गिरामी आर्किटेक्ट रहे हैं, बहुत बड़ी कॉस्ट है चुनाव लड़ना, और जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं मैं जानता हूँ आपके परिवार में मेरा आना जाना है, उसमें कोई राजनीति के बारे में कल्पना भी कर ले ये बड़ा अचंभे से कम नहीं है। आपने डिसीजन कैसे लिया? देखो ऐसा हुआ था, जब बन्ना आंदोलन स्टार्ट हुआ ना जी, तब बन्ना आंदोलन में हम लोग सभी लगे हुए थे, पूरी फैमिली साथ थी, मतलब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था उस टाइम, तो बच्चों को भी साथ लेके जाते थे, तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी कि हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा। जब पार्टी बनी तो अब ये हुआ कि भाई पार्टी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, चलो फैसला हुआ पार्टी बन गई। तो मैं जिस जगह पर रहता था सरस्वती यार में, उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आम आदमी पार्टी बनी 26 नवंबर 2012। पार्टी के पास एक भी वॉलंटियर नहीं था, तो ढूंढ ढांड के देखा सत्येंद्र जैन है तो सही, तो मुझसे बात की गई कि भाई तुम ऐसा करो संगठन बनाओ। मैंने क्या बात करो, मैं आर्किटेक्ट हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं किन चक्रों में पड़ रहा भाई, पॉलिटिक्स में थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी। मैंने कहा आपको मदद करूँगा, सब कुछ करूँगा, पर आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस। कहते नहीं, कोई बात संगठन बना दो, आपको कह कौन रहा है। मैंने घर पे बात की वाइफ से मैंने कहा, कहते नहीं नहीं सवाल नहीं उठता राजनीति में, क्या मतलब है, अरे हम तो मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ है, हमारा बिजनेस चल रहा है, ठीक ठाक है। मैंने कहा आंदोलन में भी तो, कहते उसमें कोई बात अलग थी, राजनीति अलग होती है। मैंने तो अब कह दिया। कहते फिर ऐसा है तुम इलेक्शन मत लड़ना। तो मैंने इलेक्शन की बात कहाँ से आ गई, तो मैंने पहले सबसे पहले कंडीशन अरविंद जी को ये बताई कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ठीक है मर्जी है। तो अब मैं संगठन बनाने लगा, संगठन की बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं याद। एवरी संडे एक पार्क था, उसमें जाके हम वो लगाते थे कुछ लोगों को बैठा के, तो एक मंदिर था वहाँ जाते थे, वहाँ से दरी उठाते थे, मेरे साथ एक बंदा होता था, मैं गाड़ी लेके जाता था, उसको साथ लेता था, फिर हम दोनों के दरी लेके पार्क में जाते थे, पार्क में दरी बिछा देते थे और इधर उधर से 20-25-30 लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, तो सबको मैं भाषण दिया करता था कि देखो देश के अंदर क्या बदलाव की ज़रूरत है, ये क्या ज़रूरत है, वैसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कभी किसी पार्क में, कभी किसी पार्क में, कभी हाँ कभी वहाँ, चलता रहता था। धीरे 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 पार्टी का संगठन बना लिया। अब क्या हुआ कि 2013 में जब इलेक्शन थे, पार्टी ने सिस्टम बनाया था कि भाई जिसने भी इलेक्शन लड़ना है वो फॉर्म भरेगा, तो हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, मैंने फॉर्म नहीं भरा था, इलेक्शन लड़ना ही नहीं था। उसके अंदर फिर नेक्स्ट लेवल होता था कि भाई फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू होते थे सबके, और इंटरव्यू जिस दिन स्टार्ट होते थे, नॉर्मली एक असेंबली की एक दिन में या दो दिन में, तीन दिन में इंटरव्यू खत्म हो जाते थे, और उसके एक दो दिन बाद शॉर्ट लिस्ट आती थी, और शॉर्ट लिस्ट में 2-3-4 लोगों का नाम होता था, फिर वोटिंग वगैरह करा कर जनता से व्यूज मांगते थे कि कोई किसी के ऊपर कोई, तो मतलब इंटरव्यू करने का मतलब वो लास्ट स्टेज थी कि इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, पर फॉर्म भरने की कोई लास्ट डेट नहीं थी। जब तक कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो सकता कोई भी अप्लाई कर सकता था, जब तक डिक्लेयर नहीं हो सकता, मतलब शॉर्ट लिस्ट जब तक नहीं होगी तब तक फॉर्म भर सकते आप। तो मैंने फॉर्म नहीं भरा। जिस दिन इंटरव्यू शेड्यूल्ड थे, पता लगा भी इतनी तारीख से इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, उस दिन मैं इंडिया छोड़ के 10 दिन के लिए विद फैमिली बाहर चला गया, और अरविंद जी को मैंने मैसेज डाल दिया कि मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, और मैंने एयरपोर्ट से मैसेज किया था, अपना सिम कार्ड, अपना दिल्ली वाला सिम कार्ड बंद किया, नया वाला डाल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं वापस आ जाऊँ फोन आ सकता है। 10 दिन के लिए मैं बाहर चला गया। बड़ी फिल्मी सी कहानी है जिसे कहते हैं ना। जब बाहर गया, समुद्र के किनारे में घूम रहा था, तो सुबह सुबह की बात है, एक छोटी सी पानी सी, पानी की पतली सी धारा ना समुद्र में जा रही थी, ये बच्चे नहीं खेलते, मैंने उसका भी पैर रख लिया, तो दूसरी तरफ से निकल गई, फिर मैं दूसरा पैर रखा,
फिर वो इधर से निकल गई, फिर इधर पैर रखा तो इधर से निकल गई, फिर इधर पैर रखा। फिर पैसे मैंने कहा यार ये तो जो कुछ हो रहा है ना उसको ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो हो रहा है ठीक है लेट इट बी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मेरे वापस जाने तक भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ तो मैं फॉर्म भर दूँगा, उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया। अच्छा, जबकि नॉर्मली ये होता था कि भी जिस दिन इंटरव्यू स्टार्ट हुए 2 दिन बाद शॉर्ट लिस्ट आ जाती थी। वैसे तो मेरे आने से पहले कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, 10 दिन बाद वापस लौटे होंगे आप। 10 दिन बाद वापस लौटे, शायद 2 या 3 जुलाई का डेट थी, मैं वापस लौटा, शॉर्ट लिस्ट मिली नहीं। अच्छा, मैंने फॉर्म भर दिया जी। तो फॉर्म भर दिया तो भाई फॉर्म भरने के बाद शॉर्ट लिस्ट में नाम आ गया। फिर उसके बाद 23 जुलाई 2013 को मेरा टिकट अनाउंस हो गया कि 27 जन को इलेक्शन लड़वाएंगे। मेरे घर में तो क्या माहौल था। मेरे फादर कहते हैं कि तो गुंडों का काम है, शरीफ लोग को इलेक्शन लड़ते हैं। मेरी वाइफ कहती है क्या कर रहे हो, हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, इलेक्शन लड़वा। मेरी छोटे वाली बेटी उस टाइम 8वीं क्लास में पढ़ती थी, वो कहती पापा आप तो अच्छे आदमी हो, आप नेता क्यों बन रहे हो। यानी अच्छा आदमी नेता नहीं बन सकते। अरे डर गई बेचारी, 8वीं क्लास का बच्चा, ठीक बात है। तो उसको तो इम्प्रेशन जो पड़ा हुआ नेताओं का वही था ना। अब घर में तो तहलका मच गया चारों तरफ कि ये क्या हो रहा है भाई। पार्टी का टिकट मिलने पर लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, मेरे घर में चारों तरफ से उल्टा चल रहा था। 21 जुलाई को टिकट मिला था और 24 जुलाई को मैं तिहाड़ जेल में था। क्यों? आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ने की जुर्म था ना। अच्छा, 3 दिन बाद? 3 दिन बाद मैं तिहाड़ जेल में था। वो केस ख़त्म हो गया, बाइज्जत वाला केस इज क्लोज्ड। पर वो दिखाने के लिए कि भाई अगर आम आदमी पार्टी में तुम ज़्यादा जाओगे तो देखो ऐसा भी हो सकता है। तो 24 जुलाई को मैं तिहाड़ जेल में था, 2 दिन जेल में रहा। तो वहाँ पे मैंने सोचा, मैंने इस उम्र में जाके माँ बाप को कितना कष्ट देंगे भाई इस एज में, जो भाई किसी को आज तक कोई पुलिस केस नहीं हुआ, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो मैं अपना मन बना के वापसी में जब आया, रात के शायद 8 बज गए थे 8-9 बज गए थे जब घर पहुँचा हूँ मैं, तो मैं मन बना के आया था कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँगा। घर गए तो माहौल ही कुछ और था। क्या? मेरे फादर जो पहले कह रहे थे गुंडों का काम है, अब वो ये कहने लगे कि नहीं अब तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते इसमें क्या हो गया, देश आज़ाद है भाई, अगर किसी ने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो वो जेल भेज देंगे। मेरे फादर ना मतलब इंदिरा गांधी के बड़े वो थे, कट्टर समर्थक। अच्छा, उनको उस दिन पता लगा इंदिरा गांधी तो मर चुकी है, 84 से उन्हें पता ही नहीं था। मतलब वो तो कहते इंदिरा गांधी के वो थे। कहते ये क्या हो रहा है देश में, टीचर थे, कहते हम तो सोच भी नहीं सकते। कहते पहली बात तो तुम बड़ा गलत काम कर रहे थे इलेक्शन लड़ रहे थे, परंतु इलेक्शन लड़ रहे थे चलो ठीक है, हमारी पर्सनल बात थी ना, हमारे लिए गलत था, पर इस लोकतंत्र के अंदर कोई इलेक्शन लड़े इसलिए उसको जेल भेज दिया जाए। कहते अब तो पीछे नहीं हटेंगे कुछ भी हो जाए। मेरी मदर जो कि मतलब मेरे को लग रहा था कि शायद वो तो रो रो के उनका हालत ख़राब हुई होगी, वो कहते हैं बेटा अब तो देखो जिस रास्ते पर पैर बढ़ा लिया ना, अब पीछे हटने वाली कोई बात नहीं है, ये तो अंतराय है, मतलब जिसे कहते विघ्न कहते हैं वो है। कहते इनकी परवाह करने की होती है। मुझे ऐसा लग रहा था माँ बाप को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही होगी, ऐसा कुछ नहीं था, उनको प्राउड महसूस हो रहा था कि भाई हाँ हमारे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया और उसके लिए पूरी सपोर्ट थी। और मेरी वाइफ कहती है कि अब तो मन भर गया होगा। अच्छा, अब तो जेल भी हुआ है। मन भर गया होगा। अब तो बस करो। फिर उसके 2 दिन बाद मेरे ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ। ओह माय गॉड। अच्छा, तो जहाँ मैंने डॉक्टर से एक्सरे वगैरह कराया ना, वो हमारा फैमिली फ्रेंड था, तो उसने एक्सरे कर लिया। तो उसने क्या किया, उसने उठा के पूनम को फ़ोन कर दिया, मेरी वाइफ को फ़ोन कर दिया, कहते सत्येंद्र की ना चेस्ट में काफ़ी चोट लगी है, ज़रा थोड़ा ध्यान रखना। कहते कैसे? मैं घर आया, पूछा क्या चोट लगी, कैसे लगी? अब बताया मैंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरे ऊपर असॉल्ट हुआ है। अब उल्टा हो गया, अब मेरी वाइफ अड़ गई, कहती अब तो चाहे कोई गोली भी मार देना तब भी पीछे नहीं हटेंगे। अरे बाप। अच्छा, तो उस 2013 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ ने और मेरे फादर ने, उन दोनों ने मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुझसे भी ज़्यादा उन्होंने एग्रेशन में काम किया
उन दोनों को लग गया था, मेरे फादर को बहुत चोट लगी थी कि भाई उनके बेटे को इसलिए अरेस्ट किया गया कि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, वाइफ को इसलिए लगा कि इलेक्शन लड़ना चाहता है इसलिए उसके ऊपर अटैक किया गया, तो उन दोनों ने पूरी जान लगाई। मैंने भी मतलब कसम खाई थी, मैं उसे कुछ ही महीने पहले ना प्रिटोरिया गया था साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे महात्मा गांधी को जहाँ धक्का दिया गया था ना, एक बहुत बड़ी प्लेट लगी उसी जगह पे, उस पूरी स्टोरी लिखी है महात्मा गांधी की। उसमें लिखा था कि भाई उनके मन में द्विधा थी कि क्या करूँ, इन दो लोगों से बदला लूँ या इस मुद्दे की वजह से जो एट्रोसिटी उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊँ इस कौम से बदला लूँ। मेरे पास भी यही था कि जिन लोगों ने मैं अटैक किया था उनसे बदला लूँ या इस पॉलिटिकल जमात से बदला लूँ। तो मैंने कसम खाई थी कि मैंने जो जूते पहने हुए थे ना इनको तब बदलूँगा जब मैं हरा दूंगा सामने वाले को। क्या बात। और मुझे आज भी याद है 28 दिसंबर 2013 को जब मैंने शपथ ली थी ना रामलला ग्राउंड से, तो मेरे जूते फटे हुए थे और मेरा ये अंगूठा जो है ना पूरे जूते से बाहर था, पूरा अंगूठा। तो किसी मीडिया वाले ने मेरी फ़ोटो बना ली। अच्छा। कहते देखो जी मंत्री की शपथ ले गए जूते फटे हुए हैं। फिर मैंने उनको स्टोरी सुनाई, मैंने कहा ये स्टोरी ऐसे नहीं है। उसी दिन मैंने शपथ लेने के बाद फिर मैं कनॉट प्लेस गया था, फिर नए जूते खरीदे थे। तो मैंने इतने पैदल चला था, इतना पैदल चला था मैं हर घर में गया, चौथी चौथी मंजिल पे गया, हमें तो कुछ जानता नहीं था, कुछ नहीं था। सिंपली ये था भी लोगों को बता दिया देखो जी मैं ये हूँ, यहाँ रहता हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, ये काम करता हूँ, आपको जो ठीक लगे कर लेना, आपसे वोट मांग लेना, बस इससे कुछ नहीं था। मेरी असेंबली को तो ये कहते थे जिस जहाँ से मैं लड़ रहा था कि 2-3 हज़ार वोट आ गए तो भी बहुत है, मतलब कोई ये नहीं कहता जमानत बचेगी, और मैं जीत गया था। तो वो जीतने का कारण यही रहा कि जो ये कहानी रही ना, अब ये था कि भी पहले अगर मेरे घर वाले तैयार नहीं होते मैं बिल्कुल नहीं लड़ता, और तैयार क्या नहीं होते वो तो उल्टा हो गया, पहले एक लड़ रहा था, एक नहीं लड़ रहे थे, अब तो यहाँ तीन तीन लड़ रहे थे कि मेरी वाइफ लड़ रही थी, मेरे फादर लड़ रहे थे, मैं लड़ रहा, मेरा पूरा परिवार लड़ रहा था, मेरे सारे दोस्त लड़ रहे थे। हुआ क्या कि वॉलंटियर्स को भी लगा यार जेल जाने के बाद उनको भी लगा ना कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ है। तो हमारी छोटी सी टीम सब ने जान लगा दी, तो उसकी वजह से मतलब वो एक तरह से उसमें पदार्पण जिसे कह सकते हैं पॉलिटिक्स में हुआ, चॉइस से नहीं हुआ था भाई, चॉइस नहीं कह सकते, ना चाहते हुए जैसे कि डेस्टिनी कह सकते हो कि डेस्टिनी थी कि इस तरफ आना था। इसके पीछे की कहानी और भी है छोटी सी। जब मेरा 47th बर्थडे था ना, मैंने अपनी बकेट लिस्ट बनाई इस ऑफिस के अंदर बैठ के, मरने से पहले मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल के करीब चीज़ें हैं 10 चीज़ें लिखी कि मैं मरने से पहले ये काम करूँगा। उसमें मंत्री बनना तो नहीं होगी एक बता देता उन 10 चीज़ों में था एक कि भाई मुझे बहुत लंबे ट्रैक पे जाना है। अच्छा। कम से कम महीने भर के ट्रैक पे जाना है, समुद्र के किनारे हैमॉक में लेट के किताब पढ़नी है। अरे ये बड़ा इनोवेटिव है। अच्छा। किताबें लिखनी है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, मदर के अपने साथ लेके मतलब मंदिर तीर्थ यात्राओं पे लेके जाना है, मतलब वैसे जाती हैं पर मैं अपने साथ लेके जाना चाहता था, जो भी मेरे पास आए उसकी मदद किसी भी तरह से कर सकूँ, सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स करने हैं। तो इस तरह की 10 चीज़ें मैंने लिखी। 10 चीज़ें लिखने के बाद मैंने कम से 10 बार ही पढ़ा उसको, जितनी बारी मैं पढ़ता गया उतनी बारी मेरे को लगता गया मैंने कहा मैं कर क्या रहा हूँ। उसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें पैसे की ज़रूरत थी, कुछ भी नहीं था भाई, एक भी चीज़ नहीं थी। मैंने कहा इतना पैसा तो भाई इतने साल की प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, भाई मेरा जीवन तो चल सकता है। हमारे कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं थी, देखो मैं चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, मेरे कोई पर्सनल खर्चे थे नहीं, कभी ज़िंदगी में कोई खर्च नहीं किया। वाइफ तो कहते अगर 500 रुपये भी दे देना 15 दिन बाद देखे तो 500 रुपये जेब में मिलते थे, वो कोई 500 रुपये भी खर्च नहीं हुए, तो कोई खर्चा नहीं था इस तरह का उल्टा सीधा। तो अब ये लगा बार बार देख के भी कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, जो मेरे दिल के करीब है, जो मरने से पहले मैं करना चाहता हूँ, उनमें तो मैं अपना एनर्जी टाइम लगा नहीं रहा और मैं सिर्फ पैसे कमाने में लगा सुबह से लेकर रात तक। तो वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मैंने फैसला किया कि भाई मैं 50 साल का जिस दिन हो जाऊँगा पैसे के लिए काम नहीं करूँगा। क्या बात है। और 50 की भी सेंसिटिविटी क्या थी, मेरा मानना ये था भी कहते ना आदमी की आयु 100 साल होती है, 0 पे पैदा होता है 100 पे जाके मर जाता है, अगर सब कुछ आदर्श रहे तो। तो यानी पीक कब आएगी, 50 पे, 50 के बाद डाउनफॉल स्टार्ट है। तो मैंने सोचा भाई 50 तक कर ले जो करना है, उसके बाद फिर मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँगा, दिल के लिए काम करूँगा जहाँ पे मेरा दिल है। अपनी वाइफ को जाके मैंने
कह दिया मैंने कि भाई देखो 50 का जिस दिन मैं हो जाऊंगा ना उस दिन से मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। वाइफ कहती है आज से छोड़ दो मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये भी निराला है, ऐसी वाइफ जल्दी से नहीं मिलती। कहते आज ही छोड़ दो। उसे क्या पता था जो मुझसे निकला वही पूरा हो गया। मतलब अन्ना आंदोलन लगता है मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए संकल्प की वजह से स्टार्ट हुआ और मुझे 3 साल वेट नहीं करना पड़ा। मेरी प्रैक्टिस उसी साल बंद हो गई। उसी साल बंद हो गई, उसी साल सब कुछ छोड़ दिया। भगवान ने कहा भाई 3 साल की भी क्यों खराब करें, तो अभी से आ जाओ। परंतु उन 10 चीजों में मैं आपको बता देता हूँ, 10 चीजों में मेरा कोई नेता बनने का वो नहीं था, दूर दूर तक दूर दूर तक ख्वाब नहीं था। मंत्री तो छोड़ ही दो, ये मंत्री बनेंगे MLA बनेंगे, पता नहीं था MLA क्या होता है। मैं आपको बताऊं हमारे तो पूरे परिवार में वर्टिकली, वर्टिकली पिताजी दादाजी उनके दादाजी कोई भी कभी गांव का प्रधान नहीं बना, ओरिजेंटली कोई RW का प्रेसिडेंट नहीं बना। तो पॉलिटिक्स से तो कोई लेना देना नहीं था कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक। हाँ सबको ये था कि भाई किसी की मदद करनी हो ना, ये मुझे लगता है कि शायद परिवार से मिला। मेरे फादर भी हर एक की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, अपने कैपेसिटी में जो भी कर सकते। टीचर थे वो, जैसे रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद जो उनसे पढ़ने आ जाए उसको पढ़ा देते थे। हमारे परिवार में दूर दूर तक, मतलब मेरा जैसा आला था उसने IIT किया, अब IIM में गया, वो IIM में उसको कुछ सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स वगैरह, तो मेरे पास फादर से पढ़ने आता था, सबको पढ़ाते थे कोई आ जाए तो। हर एक की जितनी मदद कर सकते करते थे। तो मुझे लगता है कि मुझे मदर से, फादर से, पेरेंट्स से, वहाँ से मदद करने का तो थोड़ा बहुत गुण वहाँ से मिला, पर जो आने का था वो मुझे लगता है संकल्प की वजह से आंदोलन हुआ। और एक संकल्प और भी है जिसका मुझे लगता होगा पूरा। वो ये था जब हमारी शादी हुई तो हम स्कूटर पे घूमते थे, मैं और मेरी वाइफ, चेतक स्कूटर था हमारे पास। तो मेरी आदत थी पहले से ही कि जो कोई समस्या दिखे उसका मैं शानदार बढ़िया फर्स्ट क्लास सॉल्यूशन बताता था कि इसको ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, घंटों सुनाता था। तो बेचारी 6 महीने दुखी हो गई। एक दिन कहती है कि आपको क्या प्रधानमंत्री बनना है। जो सारे देश की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो। तो उस दिन मेरे मुंह से निकला, आपने कहा पॉलिटिक्स में आने का कारण, दो ही कारण है, दोनों बता रहा हूँ, पहला बता दिया दूसरा बताता हूँ। मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि प्रधानमंत्री बनूँ ना बनूँ, प्रधानमंत्री का सलाहकार जरूर बनूँगा। तो बहुत बढ़िया, प्रधानमंत्री का सलाहकार बनने के लिए। और जो 47th बर्थडे पे जो मैंने रेजोल्यूशन लिया था उसको पूरा करने के लिए मुझे पॉलिटिक्स में पहुंचा दिया गया। एक बार तो मैं मजाक में अरविंद जी से भी कह रहा था कि भाई आपको प्रधानमंत्री मेरे लिए बनना पड़ेगा। क्योंकि मेरी डेस्टिनी में लिखा है कि मुझे प्रधानमंत्री का सलाहकार बनना है। तो आपको प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन उस बकेट लिस्ट में लोगों की हेल्प करने के सिवा बाकी सब का क्या हुआ? नहीं वो सारे दिल से कर रहे हैं। देखो ऐसा है, क्या होता है कि जो भी कर रहा हूँ 10 में से करना था ना, उस 10 के बाहर नहीं करना था, उस 10 में से कर रहा हूँ। आज देखो घूमना जाना था आपको, उसका क्या होगा? वो रह गया, फिर कभी मौका मिल जाएगा। पर मैं कह रहा 10 से बाहर तो नहीं हूँ ना। ठीक बात। आज मैंने कहा था कि भाई मैं 50 के बाद पैसे कमाऊंगा, कमाने के लिए काम नहीं करूँगा, मैं पब्लिक सर्विस के लिए काम करूँ, जो दिल के करीब उसके लिए काम करूँ, कर रहा हूँ मैं दिल के करीब। तो मेरी वाइफ ने कहा था ना कि भाई इसको मज़ा आ रहा है, आई एम एन्जॉइंग माई वर्क, मुझे मज़ा आ रहा है कि जो कर रहा हूँ उसके अंदर आनंद आ रहा है। जो मैं, मुझे लगता है इसके लिए मैं शायद शुरू से तैयार हो रहा था या जो भी हो रहा था कि बहुत बड़े स्केल पे। देखो हमारे यहाँ ना एक बचपन से सिखाया जाता है छोटा सोचो। मैं उल्टा सोचता था, बड़ा सोचो, आसमान इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्यों नहीं सोचता? तो आसमान जितना बड़ा सोचो। कई बार ये कहावत है कि कभी एक दिन ऐसा भी होता है कि जिस दिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भाई आपने कहा मुझे 100 मिले तो हो सकता है 100 मिल जाए, आपने 10,000 सोचा 10,000 मिल जाते, या ये भी हो सकता है कि जितना आपने सोचा उसका आधा मिलेगा। आपने सोच सोचा तो 50 मिलेगा, 10,000 सोचा तो 5,000 मिलेगा। तो ज़्यादा सोच लो यार, बड़ा सोच लो। मैंने कहा मैं 1,000 मोहल्ला के लिए बनाऊंगा, 500 बन पाए ना पहली टर्म में, आधे ही बनने थे। मैं कहता 100 बनाऊंगा 50 ही बनते, मैं कहता 10 बनाऊंगा तो 5 ही बनते। तो मैंने 1,000 कहा, 500 तो बने, बाकी अब बना दूंगा। तो इसलिए बड़ा सोचने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और मेरा अपना ये मानना है कि देखो सोचने से ही सब कुछ होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि करने से सब कुछ होता है, सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे? वट वृक्ष जो होता है ना, वट बड़ का जो पेड़ होता है, उसका बीज इतना छोटा सा दिखता भी नहीं, जरा सा बीज होता है, तो सोच है ना उस जमीन में दबा दो इतना बड़ा।
ऐसी आपकी जो सोच है ना, बड़ा विशाल सब कुछ बरगद का पेड़ बन सकती है, वो आपकी सोच से स्टार्ट होता है। एक फेमस सेइंग है, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आपसे बात करते हुए मुझे याद आ रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ये एनफोर्समेंट एजेंसीज ने आपको बहुत बहुत दिनों तक परेशान रखा, वो समय कैसा गया आपके लिए? मेरा ना देखो ये मानना है, मैंने इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही एस्पायर किया, करने की बात तो छोड़ो एस्पायर भी नहीं किया कि मैं मंत्री बनूं, मैं बन गया। ना कभी एस्पायर किया, ना कोई ऐसे कर्म किए, बन गया। और मैंने ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ नहीं किया कि मेरे पास CBI की रेड पड़े, मेरे पास ED की रेड पड़े, या ऐसा कुछ करें। तो इसका मतलब ये तो हो सकता है पहले पिछले पूर्व भव के कर्म भी हो सकते हैं ना, पहले भव के, तो इस भव के कर्म तो नहीं है, तो पिछले जन्म के कुछ किए होंगे वो सामने आ रहे होंगे। दूसरा एक और ये भी रहता है, जब तुम कुछ अच्छा करते हो ना, तो ये तो स्टैंप है कि आप अच्छा कर रहे हो, तो वो ऑफिशियल स्टैंप लगा रहे हैं कि भाई सत्यनारायण कुछ कर रहा है, इसलिए इसके पीछे पड़ जाओ, बिल्कुल ठीक है, पड़े रहो। उससे उनके अंदर नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग मेरी बड़ी इज्जत भी करते हैं। अच्छा, बहुत ही देखो पर्सनल लेवल पे बहुत लोग करते हैं, परंतु कहते हैं पॉलिटिक्स है जी, क्या करें, करना पड़ सकता है। तो जहाँ तक ये रेड वेड की बात है या जांच की बात है, मुझे याद आ रहा है एक बार मैंने CBI में मेरी क्वेश्चनिंग हो रही थी, तो मैंने कहा देखो जितने केस मेरे ऊपर बनाए, जितनी मेहनत मेरे ऊपर कर रहे, इतनी दाऊद इब्राहिम पे कर लेते, सरेंडर कर देता वो। ठीक बात है, कहते क्या करें जी, नौकरी है हमारी। तो उनके अंदर भी एक इंसान होगा, उन्हें दिखता तो सब कुछ है। देखो ऐसा था, मैं बताऊँ एक बारी ना, वो तो नाम तो मैं जानता भी नहीं वैसे, कोई ऑफिसर था जो होता है जो आपकी जासूसी करते हैं। अब हमारी पब्लिक हियरिंग होती है सुबह सुबह, जनता से मिलते हैं, अभी कोरोना की वजह से बंद है, वैसे पहले होती थी। तो एक बार वो आए, उनके जूतों से मैंने उसे पहचाने में, पुलिस वाले हैं, तो अपनी मदर का इलाज के लिए आए थे कि सर मेरी मदर है, इलाज करा रहे हैं। मैंने ठीक है सर, मेरे पर आप किसकी जासूसी कर रहे हैं? आपने सीधा पूछ लिया? अच्छा, मैं जूतों से पता लग गया पुलिस वाला है। हाँ। कहने नहीं, मैंने कहा किसको बता रहे हो आप, उनके जूते अलग ही होते हैं पुलिस वालों के। मैंने बताओ तो सही, कहते आप ही की कर रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या मिला? कहते जहाँ पैदा हुए थे ना, उसने बताया जिस गाँव में, जिस घर में और जिस हवेली में पैदा हुए थे वहाँ तक चले गए। मैंने सर बताओ क्या है नक्शा है? कहते सेंटर में एक कोर्टयार्ड है, ऐसे कमरे बने हुए नक्शा तक पता था उसको, देखे आए। अरे बाप रे, कहते वहाँ तक हुए हम, आपके जितने रिश्तेदार हैं, मतलब गांव से पैदा, मेरे पैदा ही गांव में, तो बागपत डिस्ट्रिक्ट के केठल गांव में मैं पैदा हुआ, कहते आपके सारे रिश्तेदारों के पास हुआ है। मैंने वहाँ क्यों गए, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने ये क्या लॉजिक हुआ वहाँ चले गए, भाई जाँच करने यहाँ करते। कहते देखिए सर ऐसा होता है, जो भी पैसे कमाता है ना, वो पहले अपनी जड़ों को सींचता है, वहाँ पे देखता है, वहाँ पैसा भेजता है ताकि पकड़ में ना आए। सही बात है। कहते किसी ने कुछ नहीं मिला कहीं। कहते हमने तो, आप प्रैक्टिस करते थे आर्किटेक्चर की, हम शिवा मार्केट में गए, हम मंगोलपुरी गए, हम राजा गार्डन गए, मैंने वहाँ क्यों गए? कहते दुकानदारों से पता कर गया कैसा आदमी है। कहते आपके बारे में सब पता कर लिया। कहते ये आपकी बिल्कुल, हमने क्लियर कट रिपोर्ट दिया है कि भाई इससे बढ़िया आदमी मिलेगा नहीं। तो मैंने फिर, कहते नहीं देखो पॉलिटिक्स से तंग तो फिर भी करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। तो उसके बाद दूसरी तरफ स्टार्ट, बहुत मुश्किलों भरा भी है सफर, लेकिन आप किस तरह से एंजॉय करते हैं, मैं दिन से शाम तक आपको देखता हूँ कि किस तरह से आप अपने काम को एंजॉय करते हैं, एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए भी, और मतलब चौंकाने वाला भी है कि कैसे कोई व्यक्ति 16 घंटे 17 घंटे तो आम बात है, कई बार तो उससे भी ज़्यादा काम कर सकता है, और इलेक्शन कैंपेन्स में भी आप सरकार का काम करते रहते थे साथ साथ, ऐसा नहीं था कि अब तो इलेक्शन जाना है आप सरकार का काम छोड़ दें, तब भी आप सरकार का काम करते रहते थे, एक एक फाइल को आप तब भी चेस करते थे, ये कुछ चमत्कार से कम नहीं है, और इंस्पिरेशन यही है, और हमारा पूरा एंडेवर यही है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, और लोगों के साथ साथ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज पहुँचे कि यदि इस पार्टी में आपको आगे बढ़ना है तो इस दर्जे की मेहनत। मुझे लगा पहले तो इसमें करेक्शन कर लेनी चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ने वाला पॉइंट होना नहीं चाहिए। ठीक बात, अगर आपको आगे बढ़ना है क्वेश्चन ही गलत है। अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, जनता के लिए कुछ करना है, तो आगे बढ़ो। इस पार्टी में पद नहीं है, काम है। अरविंद जी साफ साफ कहते हैं भी कोई पद वद नहीं है, ये काम है, ये काम करो तुम।
काम करने से तुम्हारा कुछ होगा, जो करना है काम करो। तो जिसने भी जनता के लिए पब्लिक सर्विस में आना है, जनता की सेवा करनी है, तो आम आदमी पार्टी। अपना कैरियर बनाना है तो कैरियर बनाने वाली तो बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे वो जो है ना अलग अलग कॉरपोरेट वर्ड हैं, अलग अलग पार्टियाँ हैं, वहाँ जा सकते हैं कैरियर बनाने के लिए। आपके साथ मुझे लगता है कि इस सीरीज में हमें कम से कम और कुछ एपिसोड शूट करने पड़ेंगे। आज के एपिसोड में मैं एक चीज़ बताऊँ, छोटा सा किस्सा बताता हूँ। आपने CBI वाली बात चालू करी ना, जब CBI के मेरे पास मेरे ऊपर केस स्टार्ट हुए ना, तो ये बहुत चल रहा था कि सत्यन जैन को कल अरेस्ट किया जाएगा, ये परसों अरेस्ट किया जाएगा। अब अरेस्ट किया जाएगा तो लोग तैयारी क्या करते हैं, क्या करते हैं लोग वकील के पास जाते हैं, वकील को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, मीटिंगें करते हैं। मैंने तैयारी क्या की थी, हमारे तिहाड़ जेल मेरे अंडर आती है, तो डायरेक्टर जनरल जो तिहाड़ जेल के थे उनको बुलाया, मिस्टर यादव थे। मैंने कहा जी, आओ जी आओ। मैंने उनसे पूछा, भाई ये बताओ तिहाड़ के अंदर फ्रूट मिलता है? कह दिए वो, कहते हाँ जी। क्या क्या हुआ सर? मैंने फिर बताओ मिलता है नहीं मिलता है, कहते यस सर। मैंने देखो ऐसा था, जब मैं पहले तिहाड़ में गया था, 2 दिन के लिए गया था, 2 दिन तो मैं भूखा रह लिया था। मैं मतलब अन्न नहीं खाता जब तक मैं मंदिर नहीं जाता, मेरा नियम है। तो मैंने फ्रूट खा लेता हूँ, कह रहे उन 2 दिन मेरे को फ्रूट भी नहीं मिला था, मैं 2 दिन पानी पे रह लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उस लंबा रहना पड़े, 2-4-6 महीने रहना पड़े, फ्रूट मिल गया तो मैं ज़िंदा रह लूँगा, कोई बात नहीं है। मैंने फ्रूट मिलता है, कहते हाँ जी मिल जाता है। दूसरा मैंने कहा, भाई अगर मैं तिहाड़ में आता हूँ, एक छोटा सा कमरा मिल जाएगा, एक पेंसिल या पेन और एक कॉपी, बस मेरी यही डिमांड है, और कुछ नहीं चाहिए। वो बेचारा खड़ा हो गया, कहते हैं सर ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा तैयारी कर रहा हूँ ना आने वाले समय की, हो सकता है 2-4-6 महीने साल 2 साल रहना पड़े। देखो महात्मा गांधी रहे, अब महात्मा गांधी ने ऐसे कर्म थोड़ा किए थे इतने साल जेल में रहे। सही बात, भाई जवाहरलाल नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, सब रहे। तो मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसे कर्म, और तो भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ था, अगर मैंने ऐसे कोई कर्म किए हों जिसकी वजह से जेल जाना पड़े, तब तो मुझे शर्म आए, तब मैं कहूँगा कुछ गलत किया है। मैंने ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए, तो मैं अपनी तैयारी ये कर रहा भाई, मैं ठीक ठाक अपना वहाँ पे, मैंने कहा और कोई डिमांड नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई बेड नहीं चाहिए, मैं जन्म पे सो जाऊँगा, मुझे लिखने के लिए ज़रूर चाहिए, हाँ एक टाइम में एक किताब भी चाहिए, मतलब एक किताब, एक कॉपी, एक पेन या पेंसिल और एक खाने के लिए फ्रूट, बस मेरी कोई डिमांड नहीं। मैंने ये तैयारी की थी कि भी अंदर जाके रहना पड़े, तो बड़े उनको आश्चर्य हो रहा था कि भाई लोग तो वकीलों से बात करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, अप्रोच लगाते हैं। मैं अपना दूसरा तैयारी कर रहा था, क्या बात है कि भाई अगर ऐसा मौका आया तो ठीक है। मैंने अपने घर पे भी देखो, मेरे को तो काफ़ी स्टेबल था, पर मेरे बच्चों के लिए बड़ा थोड़ा सा मुश्किल रहा, ट्रॉमेटिक हो जाता है। जैसे एक आरोप लगा था वो 2 करोड़ वाला, कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ का आरोप लगाया, तो मेरी बेटी का नाम स्कूल में रख दिया 2 करोड़, तो बच्चे टोंट मारते 2 करोड़। और उसने लिखित में माफ़ी मांगी बाद में कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, मैंने झूठा आरोप लगाया था, कपिल मिश्रा ने माफ़ी मांगी। तो अब देखो इस तरह के आरोप लग के उन पर जाँच चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो थोड़ा सा होता क्या है कि ठीक है पॉलिटिक्स है, मैं पॉलिटिक्स में आ गया, यहाँ तक रख सीमित, परिवार वगैरह को घसीटना ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया, और पूरी रात भी बात करें तो चर्चाएं चलती रहेंगी, और बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। इलेक्शंस नज़दीक हैं, MCD के इलेक्शंस भी नज़दीक हैं और स्टेट्स के भी इलेक्शन नज़दीक हैं, तो एक ये मैसेज ज़रूर पहुंचना चाहिए कि किस किस्म के लीडर्स, किस किस्म के व्यक्ति आम आदमी पार्टी को सींच रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि अरविंद जी काम देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, पद की बात वहाँ नहीं चलती, तो जो व्यक्ति जितना डिज़र्व करता है उससे ज़्यादा डिलीवर कर रहा है अपनी कमिटमेंट से। देखो मैं बताऊँ, अरविंद जी ना एक बहुत टफ हेडमास्टर भी हैं और एक बहुत बढ़िया जोहरी भी हैं, तो वो देख लेते हैं कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसको पूरा सपोर्ट भी करते हैं हर तरीके से, पीछे नहीं हटते, मतलब ये उनकी खासियत है कि ऐसा नहीं है कि वो पीछे हट जाएँ, वरना तो कोई होता था, मान लो मेरे पर जैसे झूठे आरोप लगे तो कहते भाई मैं क्यों कहते बुराई लो, तो उन्होंने पहले बुला के खुद समझा सारा कुछ, उनको पहले भी बता रखा था मेरे पास कुछ नहीं है, उनको सब कुछ पता था, सब कुछ दिखाया उनको, कहते जब उनको विश्वास हो गया कहते कुछ नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ही मतलब बहुत अच्छे जौहरी हैं, बहुत टफ टास्क मास्टर हैं, काम काम और काम, काम के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और एक चीज़ बता देता हूँ, देखो देश में अकेला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक भी मंत्रालय नहीं रखा अपने पास, क्योंकि उनको अपने कैबिनेट में फेथ भी है और वो सबको मॉनिटर भी कर, अगर अपने पास ही मंत्रालय हों तो मॉनिटर कौन करेगा,
फिर आप फाइलें पढ़ते रहोगे। हाँ वो कहते हैं नहीं, सबको छह मंत्री हैं, छह के छह का काम हो, अलग 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 पढ़ते रहते हैं। बहुत बढ़िया, और बहुत शुभकामनाएं कि आप प्रधानमंत्री के सलाहकार जरूर बने, हम सब उस दिन की वेट कर रहे हैं। बहुत समय निकाला आपने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और बड़ी प्यारी लोकेशन है आपकी बनाई हुई लोकेशन, बहुत शुक्रिया जी सबका आपका।